चलो आज का रिस्टिक है दुरानी इज एन इन्वेडर, बाहर से आया है वो, ठीक है, वो मुगल नहीं है, ठीक, मुगलों के हाथ से निकल गया ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वहाँ डिफरेंट डिफरेंट लोग आ गए ना, मुगलों में भी शायद इतनी वो बोलते हैं ना कि इतने साल कोशिश करी नहीं हुआ तो फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो वाली बात है, क्योंकि उसके बाद हाँ वो कुछ कुछ बचा भी नहीं, ठीक है, और कोई कुछ। अच्छा एक और बात, जैसे डेट्स का होता है ना, जैसे अभी एक स्टूडेंट बता रहे थे कि उसमें वंडरलैंड में जैसे मूलप्राप्त का थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है कि कांगड़ा वो 1830 या 32 में आए थे, ये ऐसी डिस्क्रिपेंसी में आप क्या करोगे, आपको सीक्वेंस पूछते हैं, तो आप बस सीक्वेंस याद रख लो कि विग ने कभी भी मूलक्राफ्ट से पहले नहीं आए, हम बस इतना याद रख सकते हैं, और विग्ने और मूलक्राफ्ट से पहले थॉमस कोरियाट 1615 में आए हैं, वो एक ऐसी डेट है जो हर जगह 1615 ही है, बाकी डेट्स में थोड़ा बहुत अलग वगैरह हो सकता है, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दी टाइमलाइन सीक्वेंस, कि ये पहले आए हैं, ये बाद में आए हैं, विग्ने लास्ट में ही आए हैं, अब चाहे वो 1838 में आए, 37 में आए, कि 39 में आए, ठीक है, तो ये है, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स देखोगे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स है, ठीक है, लिखो चंबा। हाँ जी, हु इज द फाउंडर? मारू वर्मन, मारू की मेरू, मारू वर्मन लिख लो। द फाउंडर ऑफ चंबा इज या वॉज, हाँ हाँ आराम से कोई बात नहीं, द फाउंडर ऑफ चंबा वॉज मारू वर्मन 550 AD, 550 AD। चंबा एक्चुअली ऐसे बोल सकते हो कि हिमाचल का या पूरे नॉर्दर्न एरिया का एक ऐसा एरिया रहा है जिसकी सबसे ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जो है वो प्रिजर्व्ड है। एक रीज़न इसका ये हो सकता है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग ना गए हो तो वो जगह ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड रहती है, वहाँ के जो इंस्क्रिप्शन खड़े कर दिए वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंटैक्ट रहते हैं, तो चंबा उसका एक एग्जाम्पल है कि वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, कॉन्टिन्यूस हिस्ट्री हमको वहाँ पे काफ़ी हद तक देखने को मिलती है। आगे जब हम बात करेंगे तो मुगल्स भी यहाँ पे ज़्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है, और मुगल के बाद अगर मैं बात करूँ इनकी एमआरएस की, कौन है एमआरएस, ठीक है, तो यहाँ पे भी इनकी एक बहुत अच्छी यारी थी एक वज़ीर के साथ, नाथू वज़ीर कहा जाता है उन्हें, तो नाथू वज़ीर ने काफ़ी इंस्टेंसेस पे इनकी एमआरएस की मदद की थी, इसलिए वो भी चंबा को इतना ज़्यादा क्या नहीं कर पाए, मतलब ही वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि मैं जाके चंबा पे अटैक करूँ और अपने अंडे ले लूँ, अनलाइक कांगड़ा, हमने कल भी बात की थी कांगड़ा का फोर्ट जो है इन्होंने संसार चंद से ले लिया था, ठीक है, फाइन, कौन सी ट्रीटी थी वो, 1809, फाइन, आगे लिखो। चंबा हैज अ वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री सिंस 550 AD, सिंस 550 AD अ सूर्यवंशी राजपूत, जो चंबा के रूलर्स हैं वो सूर्यवंशी है, अ सूर्यवंशी राजपूत, और कांगड़ा वालों को माना जाता है चंद्रवंशी, 550 AD, 550 AD, सूर्यवंशी राजपूत माइग्रेटेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू सेटल इन चंबा विद द कैपिटल, उस समय चंबा थोड़ा बोला होगा इसको, ठीक है ना, विद द कैपिटल ब्रह्मपुर, जिसे भरमौर कहा जाता है, विद द कैपिटल
ब्रह्मपुर ब्रैकेट में भरमौर फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, मेरुवर्मन, ये आगे आपका लीनियज में मेरुवर्मन, ये अलग राजा है. मेरुवर्मन फॉर्म्ड मेनी टेम्पल्स, फॉर्म्ड मेनी टेम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, कौन कौन से मंदिर बनाए हैं मेरुवर्मन ने? मणि महेश का मंदिर है, लक्षणा देवी मंदिर है, लिखो. कॉमा लक्षणा देवी मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर. गणेश टेम्पल, गणेश टेम्पल. नरसिंह टेम्पल, मणिमहेश, लक्षणा, गणेश, नरसिंह टेम्पल. शक्ति देवी, शक्ति देवी एंड सूरजमुखी श्राइन. ये मैंने सारे मंदिर लिखा दिए जो मेरुवर्मन ने बनाए. मणिमहेश, लक्षणा, गणेश, नरसिंह, शक्ति देवी और सूरजमुखी श्राइन. एक पॉइंट ऐड करो, मेरुवर्मन के समय सूरजमुखी श्राइन, सनफ्लावर है ना, इनके समय जो इनके क्या बोल सकते हो, हाँ, आर्किटेक्ट थे, है ना, जो क्या बोलते हो उसे, तराशना, जो तराशते हैं चीजें, उनका क्या नाम है, गुग्गा. ठीक है, जो चीजों को तराशते हैं, मंदिरों को तराशते हैं, हाँ, स्कल्पटर. एक्चुअली स्कल्पटर कौन थे? गुग्गा. ठीक है, जी यू जी जी ए, गुग्गा. वो मेरुवर्मन के समय थे. ठीक है, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक डालो इसमें हेडिंग के साथ, अर्ली हिस्ट्री. अर्ली हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री, इसमें लिखो वेरियस सोर्सेज लाइक राज तरंगनी. सुना है आप लोगों ने राज तरंगनी का नाम? किसने लिखी थी? कल्हण. वेरियस सोर्सेज लाइक राज तरंगनी, ब्रैकेट में कल्हण. ये कल्हण ने लिखी हुई है, कश्मीर में थे ये. अंग्रेजों के हिसाब से सबसे बढ़िया अगर कोई राइटर था तो वो कौन थे? कल्हण. संस्कृत में लिखी गई है ये. ठीक है, वेरियस सोर्सेज लाइक राज तरंगनी कॉमा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ असाटावर्मन. ASATA, असाटा नाम है राजा का. कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ असाटावर्मन. ASATA, असाटावर्मन कॉमा युगांकर वर्मन. स्पेलिंग लिखो क्या, किसी से कोई इशू आ रहा है तो? युगांकर. कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ असाटा वर्मन युगांकर वर्मन कॉमा books like Enquity of Chamba. किसी को पता है किसने लिखी है Enquity of Chamba? By J.P. Vogel. Please remember it. आ सकता है किताब पे सवाल. J.P. Vogel, Enquity of Chamba.
और इन्होंने ही भूरी सिंह का जो म्यूजियम है आप लोगों ने सुना होगा चंबा में 1908 में बना था, उसे चंबा अचंबा भी कहा था। एक टर्म है ना चंबा से रिलेटेड है, चंबा अचंबा। तो माना जाता है कि इन्होंने भूरी सिंह के म्यूजियम को क्या लिखा हुआ है, चंबा अचंबा। ठीक है, लिखना है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दिमाग में ऐसा रह जाए तो कोई इशू नहीं। आगे लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। अराउंड सेकेंड सेंचुरी द एरिया वॉज रूल्ड बाय कोलियन ट्राइब्स। जो कोल की मैंने बताया था ना, माइग्रेंट्स इनहैबिटेंट्स, कोलियन ट्राइब्स, KOLIAN, कोलियन ट्राइब्स। नो, सेकेंड सेंचुरी एडी द एरिया वॉज रूल्ड बाय कोलियन ट्राइब्स विच वर रिप्लेस्ड बाय खासाज। खासाज एक दूसरी ट्राइब है हिमाचल की, खासाज, खासा, कीरत, भोटिए, ये बेसिकली हैं कुछ भी नहीं, आर्यन्स की ही ट्राइब्स है आगे, है ना। खासाज कॉमा और दम्बर्स, ये भी ट्राइब्स हैं। खासाज कोलियन ट्राइब्स थे पहले, उनको रिप्लेस कर दिया किसने, खासाज ने, फिर खासाज को आगे जाके रिप्लेस कर दिया और दम्बरों ने। ठीक है, एंड अराउंड फोर्थ सेंचुरी एडी जब गुप्ताज का पीरियड चला हुआ था, एंड अराउंड फोर्थ सेंचुरी एडी द रीजन वॉज रूल्ड बाय ठाकुर एंड रानाज। ये खुद को बहुत हाई फाई समझते थे, सोफिस्टिकेटेड समझते थे इन कंपैरिजन टू जो ये बचे कुचे कोलियन ट्राइब है या जो खासा ट्राइब है। ये बोलते थे तुम लोग इन्फीरियर हो, हम लोग सुपीरियर हैं। देखो मैंने आपको कल भी लिखाया था कि जो कंटेम्प्रेरी थे, फॉर एग्जाम्पल त्रिगर्त रीजन का कंटेम्प्रेरी मैंने आपको तीन चार जगह लिखाई थी कि कुल्लू वाले एरिया में यूजुअली ये वाली ट्राइब थी जो रिपब्लिक बना के बैठी थी। फिर और क्या लिखाया था, औदम्बर लिखाए थे, पठानकोट, नूरपुर, ये वो रिपब्लिक। ठीक है, या मैं बता रही हूँ एक सेगमेंट ऑफ द ट्राइब जो थी वो आके चंबा में आई और रिप्लेस कर दिए उन्होंने पीछे वाले बंदे, कोल्स एंड मुंडा ट्राइब। हाँ, ये सेम ही ट्राइब है, अलग अलग नाम है इनके। ये बेसिकली आपके माइग्रेंट्स हैं, फिर वहां पे आके इनहैबिट हो गए, फिर आर्यन आए बाहर से और डिस्प्लेस कर दिया इनको काफी हद तक। एग्जैक्टली, कीरत, भोटिए, ये सब आर्यन है। ठीक है, हाँ, तिब्बतन, इनका जो मंगोलाइड ओरिजिन है वो यही है। क्या लिखा, ठाकुर जिन राना, फुल स्टॉप। अराउंड 10th सेंचुरी, यहां से है जो चंबा की एक्चुअल में हिस्ट्री स्टार्ट होती है, एंड अराउंड 10th सेंचुरी अ फेमस रूलर कौन थे, कौन होंगे, साहिल वर्मन। अ फेमस रूलर नेम्ड एज साहिल वर्मन केम इनटू द पिक्चर। फुल स्टॉप। आगे लिखो, अब थोड़ा सा फैक्ट्स लिख लेना। बीच में मैंने कहा ना जो राजा है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बीच में अभी लिखा रही हूं मैं आपको, लिखना फैक्ट, लिखना पहला। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिर्फ अपने नाम याद रखना है, अजय वर्मन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अजय वर्मन
गद्दीज केम फ्रॉम दिल्ली. अगर ये आ जाए कि कौन से चंबा के राजा के समय सबसे ज्यादा गद्दी जाके बसे थे, अजय वर्मन. और कब हुआ था? 8th सेंचुरी में. 8th सेंचुरी में गद्दीज आए थे, राजपूत आए थे, ठीक है. दे केम फ्रॉम दिल्ली, फुल स्टॉप. दूसरा फैक्ट लिखो. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लक्ष्मी वर्मन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लक्ष्मी वर्मन, इनके समय प्लेग हुआ था. बहुत महामारी कहता है ना, एपिडेमिक, प्लेग हुआ था. एंड एपिडेमिक और प्लेग अकर्ड अकर्ड और एक ट्राइब थी किर. लिखो, अ ट्राइब नोन एज किर. ये तिब्बतियों की ट्राइब थी. अ ट्राइब नोन एज, देखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लक्ष्मी वर्मन प्लेग ब्रेक हुआ था या एपिडेमिक ब्रेक हुआ था. दूसरा फैक्ट है कि लक्ष्मी वर्मन के समय एक तिब्बतन ट्राइब किर, उन्होंने अटैक किया था इसके शासनकाल में. ड्यूरिंग हिज टाइम अ ट्राइब फ्रॉम तिब्बत कॉल्ड एज किर अटैक्ड. हाँ, के आई आर, जो आपका बैजनाथ का पुराना नाम है ना, किरग्राम, वो भी इसी चीज से एसोसिएटेड है. सो ये भी सबॉर्डिनेट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बैजनाथ का पुराना नाम क्या है. जैसे हमने कल नूरपुर का पढ़ा था पुराना नाम क्या, धमेरी, वैसे ही. ठीक है, किरो ने अटैक किया था. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट फैक्ट. मूषण वर्मन, इसके बारे में कल भी बात हुई थी. मूषण वर्मन, अभी तक 3 फैक्ट लिखाए, जो लिखाए. पहला क्या लिखाया? गद्दी किसके समय आए थे? अजय वर्मन. दूसरा फैक्ट, प्लेग किसके समय? लक्ष्मी वर्मन. और हाँ, केरो ने अटैक किया था. और तीसरा क्या फैक्ट है? अब मूषण वर्मन के बारे में लिख लो. ही वॉज डिफीटेड बाय द किर ट्राइब बट वॉज हेल्प्ड बाय राजा ऑफ सुकेत. सुकेत और मंडी अलग अलग दो जगह हैं, ठीक है. बट ही वॉज हेल्प बाय राजा ऑफ सुकेत. फिर इसने राजा ऑफ सुकेत की लड़की से शादी भी कर ली थी, ठीक है. और मैंने आपको मूषण वर्मन के बारे में पहले ही बता दिया था कि जो नेम डिराइव होता है वो चूहों से होता है. कि जब इनका जन्म हुआ था तो बहुत हार्ड परिस्थितियों में जन्म हुआ था. तो जहाँ पे ये केव में थे, तो जब इनकी जो भी उस समय, देखो, रानियाँ तो नहीं, नर्सेस बहुत होती थी, है ना. तो जब वो वापस आती हैं, छोड़ के जाती हैं कुछ समय के लिए, तो सारे के सारे चूहे जो हैं वो मूषण वर्मन को इनसर्कल किए हुए थे. दैट्स वाई द नेम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम देयर. और फिर इनके टाइम पे चूहों को मारा नहीं जाता था, फीड किया जाता था, ठीक है. तो चूहे मोटे मोटे हो गए. नेक्स्ट लिखो, अब है साहिल वर्मन. साहिल वर्मन, इनके बारे में थोड़े ज्यादा फैक्ट्स हैं. साहिल वर्मन लिखो. साहिल वर्मन के बारे में एक जो फोकलोर है वो दो एसोसिएटेड है. कि एक जो आपका एक योगी आए थे, क्या नाम था? चरपतनाथ, है ना. कि एक योगी आए थे, 84 योगी आए थे बेसिकली. उनका जो हेड था वो था चरपतनाथ. तो वो साहिल वर्मन के पास आते हैं और कहते हैं कि राजन, हमें एक रात रुकने के लिए आप यहाँ पे अलाउ कर दो. तो साहिल वर्मन बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस आदमी था, खातेदारी करता है, खिलाता पिलाता, नहलाता पैर, चलो खुद नहीं नहलाता, मतलब कि पैर वैर धोता है, सब कुछ, एवरीथिंग. तो बहुत खुश हो जाते. तो फिर वो बेसिकली क्या करते हैं, इनको ब्लेस करते हैं. तब साहिल वर्मन के 10 लड़के हुए और एक लड़की हुई, और उस एक लड़की का नाम रखा गया चंपा, चंपावती. और थोड़े टाइम पे चंपावती के नाम पर ही चंपा नगर भी स्थापित कर दिया, जिसका असली नाम है अब चंबा. तो जब ये हो गया तो ब्रह्मपुर में चली आ रही थी अभी तक कैपिटल सारे राजाओं की. तो ब्रह्मपुर से कैपिटल शिफ्ट की गई साहिल वर्मन के शासनकाल में, फ्रॉम ब्रह्मपुर टू चंपा और चंपा नगर. तो एक तो ये स्टोरी है. दूसरी, जो साहिल वर्मन के समय क्या हुआ था, जैसे लक्ष्मी वर्मन के समय प्लेग फैल गया था,
साहिल वर्मन के समय सूखा पड़ गया था, ठीक है, बिल्कुल ही। तो कौन सी नदी है चंबा में? रावी की ट्रिब्यूटरी है, बुढ़ेल वैली वगैरह, बुढ़ेल रिवर है। तो हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई, मतलब सूखा पड़ गया, और राजा ने बोले काम करते एक नहर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो एक जगह है वहाँ सरोटा, सरोटा से लेके आपकी उस जगह तक क्या किया गया, एक नहर का कंस्ट्रक्शन किया। पर नहर के कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। तो जो साहिल वर्मन की जो वाइफ थी सुनैना, कई नैना देवी बहुत कुछ लिखते हैं पर शायद उनका नाम सुनैना था, उनको सपने में एक देवी के दर्शन होते हैं। तो वो बोलती है कि किसी ना किसी परिवार में से किसी एक बंदे की जो है वो बलि देनी पड़ेगी या समाधि लेनी पड़ेगी, तब जाके जो है पानी की समस्या यहाँ पे पूरी होगी। तो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये सब और सिर्फ बिलीफ होते हैं, ठीक है, इसको रिलीजन का नाम हम नहीं देते। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर तो मेरे हस्बैंड समाधि लेते हैं तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी डायनेस्टी, अगर मेरा लड़का लेता है तो भी आगे कैसे बनेगी डायनेस्टी, ठीक है। तो इसीलिए वो बोलती हैं कि मैं अपनी समाधि खुद दूंगी। सुबह सुनैना देवी को बहुत ज़्यादा तैयार किया जाता है दुल्हन की जैसे, और चंबा और कांगड़ा में पालकी में बिठाने का बहुत एक रिवाज है। खैर अब तो शादियों में बहुत कम हो गया, अब तो सब गाड़ियों में आते हैं, बट पहले घर से लेके एटलीस्ट सड़क तक तो पालकी में बिठा के लेके जाते थे, ठीक है, पैलन क्वीन कहता है ना, है ना। तो उनको लिया जाता है और समाधि में वो जैसी समाधि लेती हैं, उससे पहले उनकी लास्ट विश थी कि हर साल यहाँ पे मेरे नाम पे एक मेला होना चाहिए। तो सूही का जो मेला है, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इसमें से कौन सा जो मेला है वो सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए सेलिब्रेट होता है और कब होता है? तो ये होता है आपका मार्च में, चैत, है ना। तो ये एक तो ये डेट है कब होता है, दूसरा किसके लिए होता है, औरतों और बच्चों के लिए होता है। किसकी वजह से हुआ था? साहिल वर्मन की वाइफ सुनैना के सैक्रिफाइस से हुआ था। और जैसे ही वो समाधि में बैठी वैसे ही नहर में से पानी ऑटोमेटिकली फूटने लग गया और वो समस्या वहां पे दूर हो गई। तो ये जो है दो एसोसिएटेड है साहिल वर्मन की मतलब साहिल वर्मन की उससे टाइमलाइन से, ठीक है, लिख लो। योगी चरपतनाथ साहिल वर्मन के अंडर ही, योगी चरपतनाथ ब्लेस्ड हिम विथ 10 sons एंड अ डॉटर, ब्रैकेट में चंपावती। ही फाउंडेड अ टाउन नोन एज चंपानगर, एंड इन 930 AD में ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम ब्रह्मपुर यानी भरमौर से चंबा कर दी 930। सेकेंड लिख लो, हिज वाइफ सुनैना, फिर वो देवी की उपाधि दे देते हैं ना जो समाधि ले लेते हैं, हिज वाइफ सुनैना देवी सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ एट मलूणा, जगह है जहां पर उन्होंने समाधि ली थी, एट मलूणा, कैसे लिखोगे, MALOONA, ठीक है, एट मलूणा, एंड हेंस फोर्थ मतलब तब से बाद मलूणा MALOONA। अब देखो मैं मलूणा बोलूंगी तो वो ज्यादा हो जाएगा ना, जब नाम ही ऐसा है, ठीक है, तो मलूणा ही सही। एंड हेंस फोर्थ सूही मेला इज सेलिब्रेटेड, सूही SUHI, सूही मेला इज सेलिब्रेटेड फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए, विमेन एंड चिल्ड्रन, ब्रैकेट में लिख लो कब मनाया जाता है, 15 मार्च के आसपास स्टार्ट हो जाता है अप्रैल तक, इस महीने को चैत का महीना कहा जाता है ना, 15 मार्च से अप्रैल तक मनाया जाता है, चैत का महीना
होता है, क्योंकि एचएस में मैंने देखा है बहुत बार वो दे देते हैं डेटिंग. अब पता हो चैत क्या है नहीं है वो उनका कंसर्न नहीं है, है पर ये पता होना चाहिए कि चैत के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट होता है. ठीक है, एक और पॉइंट लिखना इनके बारे में. साहिल वर्मन कंसोलिडेटेड, साहिल वर्मन कंसोलिडेटेड दी चंबा एरिया, कंसोलिडेटेड दी चंबा एरिया इनटू मंडल, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, इनटू मंडल, एम ए एन डी ए एल मंडल, ब्रैकेट में लिख लो विजारत. मंडल क्या है? विजारत. तो आज भी चंबा की फाइव फोल्ड डिवीजन होती है. कौन कौन से एरियाज आ गए? चंबा हो गया, पांगी हो गया, चूड़ा तहसील हो गई, और भटियाट, भरमौर. तो ये फाइव फोल्ड डिवीजन तब से चली आ रही है. लिख लो विजारत, हाइफन लगाना इसी के आगे, हाइफन, द फाइव फोल्ड डिवीजन ऑफ चंबा, हाइफन द फाइव फोल्ड डिवीजन ऑफ चंबा. कौन कौन सी है वो लिख लो पांच. पहला लिख लो चंबा, भरमौर, भटियाट, एक रिवोल्ट भी हुआ है भटियाट में, है ना, भटियाट, चूड़ा, सी एच यू आर ए एच, एंड पांगी. पांगी, भटियाट, चूड़ा, सी एच यू आर ए एच, चूड़ा और पांगी. ठीक है, चंबा से कौन है यहाँ? कोई नहीं है ना, चलो. हाँ मैं हूं. ओके नेक्स्ट, आगे लिखो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है, राजा तो क्या इनका बेटा आगे, युगांकर वर्मन. ऐसे 10 बेटे थे पर 9 के 9 बेटों ने कुछ नहीं किया, एटलीस्ट एक बेटे ने और उसकी वाइफ ने मिलकर मंदिर बना दिए. ठीक है, लिखो युगांकर वर्मन. युगांकर के बारे में भी एक चीज लिखाई पहले, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि किसके टाइम पे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है, तो युगांकर वर्मन है ऑप्शन में, दैट विल बी द आंसर. लिखो युगांकर वर्मन कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल, कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल नोन एज गौरी शंकर का मंदिर, गौरी शंकर टेम्पल, गौरी शंकर टेम्पल. एंड हिज वाइफ, क्या नाम है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे, कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ, एंड हिज वाइफ त्रिभुवन रेखा, त्रिभुवन रेखा देवी, त्रिभुवन रेखा देवी कंस्ट्रक्टेड नरसिम्हा टेम्पल. युगांकर ने बनाया गौरी शंकर का मंदिर और इनकी वाइफ त्रिभुवन रेखा देवी कंस्ट्रक्टेड नरसिम्हा टेम्पल. ठीक है, पूरा का पूरा जो शिखर है वो पत्थर से बना हुआ है इस मंदिर का. ओके नेक्स्ट, अच्छा इसमें लिख लो साहिल वर्मन ने कौन कौन से मंदिर बनाए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पीछे उसके लिख लिया ना, मेरू के लिख लिए थे. साहिल वर्मन के लिख लो टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग साहिल वर्मन रेन, टेम्पल्स ड्यूरिंग साहिल वर्मन. एक लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण मेरू के समय लक्षणा देवी का मंदिर है, डिफरेंट है, वो लक्षणा देवी है, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है. लक्ष्मी नारायण कॉमा चंद्रशेखर मंदिर, लक्ष्मी नारायण, चंद्रशेखर और 84 टेम्पल, क्योंकि 84 योगी आके रहे थे जब साहिल वर्मन, माना जाता है जब वो सुबह उठे तो सारे के सारे योगी थे नहीं वहाँ पे, वहाँ पे वो छोटी छोटी वो थी, हाँ पिंडियाँ टाइप थी, तो वहाँ पे फिर मंदिर कंस्ट्रक्ट कर दिया गया. माना जाता है कि वो शिव, शिव का अवतार था योगी चरपतनाथ जो अपने ग्रुप के साथ आए हुए थे. ठीक है, 84 टेम्पल, इसीलिए आप देखोगे चंबा में जो इनके ईष्ट देव हैं वो शिव हैं. मैक्सिमम लोग गद्दी हैं, गद्दी बाहर से आए हुए हैं,
तो वहां पे गद्दी जो नाम है ना, तो गद्दी क्या होता है? द वन यू एक्चुअली सिट ऑन, गद्दी. तो वो शिव की गद्दी होती है. वो अपने को ये मानते हैं कि हम शिव की गद्दी है, ठीक है, इसीलिए वो गद्दी है वहां से. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फैक्ट है, गणेश वर्मन वॉज द फर्स्ट रूलर टू यूज, हाँ, सिंह. और वर्मन सबसे पहले किसने लगाया था? आदित्य वर्मन ने. सबको पता है कि लिखा दूं ये भी, लिख लो, लिखो, गणेश वर्मन वॉज द फर्स्ट टू यूज द टाइटल सिंह. सिंह एंड आदित्य, आदित्य वॉज द फर्स्ट टू यूज द टाइटल वर्मन. फिर ये तो बाद में बोले जाने लगा मारू वर्मन, मेरू वर्मन. पहले ये सिंपल अपना नाम ऐसे लिखते थे, मारू मेरू, ठीक है. तो ये दो फैक्ट थे. नेक्स्ट, राजा उदय वर्मन युगांकर वर्मन के बारे में मैंने बताया था कि जो इनकी, ये लिख सकते हो कि सबसे पुरानी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो युगांकर वर्मन के टाइम पे प्रेजेंट है, जहाँ से चंबा की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, अर्ली हिस्ट्री के बारे में. और दूसरा पॉइंट था कि उन्होंने और उनकी वाइफ ने मिलकर दो मंदिरों का निर्माण किया था, ठीक है. बस इतना ही इनके बारे में लिखो. रूलर या राजा उदय वर्मन हाइफन लगा के, हिज रूल विटनेस्ड सती. इसकी जो दो लड़कियां थी वो जम्मू के राजा से ब्याही हुई थी, और यहां पे भी आपको सती का जो एविडेंस है वो दिखने को मिलता है. सबसे पहले सती का एविडेंस कहाँ मिला था? एंशंट इंडिया में है. कौन बोले, कौन बोले, आप बोले, बिल्कुल सही. ईरान इंस्क्रिप्शन, ERAN, ईरान इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में, वो पूरी आपकी एंशंट हिस्ट्री में पहला है. वो मिला है आपको गुप्ताज के पीरियड में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो. लेटर गुप्ता थे जिनका नाम था बुद्धगुप्त. बुद्धगुप्त का एक कमांडर था, उसकी बीवी ने सबसे पहले जो है सती, सती हो गई थी, ठीक है. एंड ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सती एंड जौहर. पद्मावती ने जौहर किया था. जौहर इज लाइक कि कोई इमरजेंसी आ गई, ऐसी कंडीशन आ गई जहां पे आपको लगता है कि आपकी डिग्निटी जो है वो जाने वाली है ना, क्योंकि कोई दुश्मन आके हमला करने वाला है, वो किसी भी फॉर्म में एक्सप्लॉयटेशन होने वाली है या कुछ और होने वाला है. तो वो खुद ही जौहर बोल सकते हो, कम्युनिटी सती कूद जाते हैं. बट सती ओरिजिनली क्या है, हस्बैंड जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, ठीक है, मतलब मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है. आगे लिख लो प्लीज. तो उदय वर्मन के बारे में यही इंपॉर्टेंट है कि इनके टाइम काल पे सती देखी गई है, इन्हीं की दो बेटियों ने सती परफॉर्म की थी. बस इतना ही फैक्ट है इनके बारे में. नेक्स्ट फैक्ट, ललित वर्मन. सुनो इस, इन फैक्ट्स को ना मजे से रटना, ठीक है. आई विल नॉट से समझना. समझने के लिए कुछ भी नहीं है कि उदय ने क्या किया, ललित ने क्या किया, पर बस इतना है कि हमें एग्जाम निकालना है तो, है ना. चलो, ललित वर्मन के समय पे एक इंस्क्रिप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट. सेचुनाला इंस्क्रिप्शन, स्पेलिंग देख लेना, सेचुनाला इंस्क्रिप्शन. वैसे भी बोला जाता है सेचुनाला कहां पाया जाता है, मतलब कहां है, चंबा में, पांगी, ठीक है. सेचुनाला इंस्क्रिप्शन है. एक और इंस्क्रिप्शन है इनके समय पे, डिबरी कोठी. कई जगह देवी कोठी भी लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है. डिबरी कोठी, DIBRI, डिबरी, या फिर देवी कोठी. तो ये जो दो इंस्क्रिप्शंस हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि सेचुनाला इंस्क्रिप्शन या डिबरी कोठी इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू, फिर वहां बहुत सारे वर्मन होंगे, फिर तुम्हें रोना आएगा, ठीक है. तो प्लीज ललित याद रखना, ललित वर्मन, ठीक है. नेक्स्ट फैक्ट,
प्रताप सिंह वर्मन, प्रताप सिंह वर्मन. अब इतना हाईफाई नाम है तो प्लीज रिमेंबर, जो प्रताप होता है मींस व्हाट इज प्रताप, वेलर, बहुत स्ट्रेंथ. ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अकबर. ये आ सकता है यहां से पहला क्वेश्चन तो, कि हु विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अकबर. लिख लो, कंटेम्पररी ऑफ अकबर कौन? प्रताप सिंह वर्मन. इनके बारे में लिख लो थोड़ा सा आगे. नहीं, इनके बारे में नहीं, सॉरी सॉरी, आगे लिखो, नेक्स्ट फैक्ट लिखो, नेक्स्ट फैक्ट लिखो. अ राजा नोन एज बल. हाँ जी, हाँ जी, बोलो ना. समकालीन, कि जब वहां पे आगरा में जब आपके कौन बैठे हैं, अकबर बैठे हैं, तो उस समय चंबा में कौन सा राजा है, ये है, दैट इज समकालीन कंटेम्पररी सीन. देखो मैंने कहा ना, चंबा वगैरह के जो राजा है ना, वो भी चुपचाप ट्रिब्यूट मान लेते थे, दे देते थे. अभी एक और राजा आएगा पृथ्वी सिंह, वो तो ही वो सो डैम हैंडसम कि शाहजहां उसे बार बार दिल्ली बुलाते थे. ही वॉज अ डेबेनोर, ठीक है, तो वहां पर उनको बुलाते थे. और हाँ, 9 बार शायद, है ना, 8 या 9 बार वो दिल्ली गए हुए हैं. तो जितनी भी वहाँ हैरम की रानियाँ थी, वो ऐसे देखती थी, हाँ क्या लड़का है, ठीक है. तो ये है, इसीलिए चंबा का जो है वो पीसफुल रहा हुआ है, चुपचाप मान लेते थे. पहले मुगलों को भी मान लेते थे, क्योंकि उनको पता था मुगल भी इतनी डिफिकल्ट टेरेन है, यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे. और सेम इज द केस विद ब्रिटिश, जितने भी आगे राजा रहे हैं ना, राज सिंह वगैरह, श्री सिंह वगैरह, दे ऑल हैव बीन लॉयल टू ब्रिटिश. कुछ तो 1857 के रिवोल्ट में मदद भी करते हैं, वो बोलते हैं आप ठहर जाओ, हम भेजते हैं यहाँ से आर्मी, अपने कमांडर भेजते हैं. हाँ ठीक है. भूरी सिंह ने World War I में मदद की हुई है, 1914 के आसपास नाइटहुड की वो उपाधि मिली है. और इस यही वजह है कि 1910 में चंबा इलेक्ट्रिफाई हो गया था, पावर हाउस बनाया था साल नदी पे, है ना. तो इसका मतलब चंबा में इतने डेवलपमेंट वर्क क्यों हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव अलाइंड देयर पॉलिसीज विद ब्रिटिश. पंगे नहीं लिए, बहुत कुछ बना हुआ, डिस्पेंसरी, टिस्सा में डिस्पेंसरी बनी, पोस्टल हाउसेस बने. ये सबसे डेवलप्ड एरिया चंबा. और आप देखो, ठीक है, लिखो. मुझे लगता है कुछ जगहों को ना जान मूझ के सजा दी जाती है ना. कि पहले बहुत ज्यादा ब्रिटिश के साथ में थे, अब बताते. राइट, है ना. अब तो वैसे भी देखो, चंबा का जो एरिया है मोस्टली हम बोलते हैं कि बैकवर्ड एरिया है. स्कूल, अस्पताल बनाना मतलब कितना ही मुश्किल है वहाँ पे. अब केस है, देखो उस समय तो बना लेते थे इजीली. कितने सारे सुपरिटेंडेंट भी वहाँ पे लगाए गए हैं, मेजर कर्नल, क्या नाम है इनका, रीड, है ना. तो बहुत सारे बंदे वहाँ पे लगाए भी गए हैं जो अच्छा डेवलपमेंट वर्क किया हुआ है. पर चलो अब नहीं है. ऑफ कोर्स चंबा के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो वहाँ के जो ट्राइबल हैं उनके लिए रिजर्वेशन, ठीक है ना. क्योंकि हम सोचते हैं कि जो लोग, क्योंकि चंबा के जो लोग अच्छे हैं, जैसे हम लोगों की भी जो मतलब दादा वगैरह हैं, वो लोग माइग्रेट हो गए कांगड़ा. यूजुअली कांगड़ा एक माना जाता है कि चंबा में से निकल के कांगड़ा आते हैं, है ना. तो वो लोग थोड़े अच्छे हो गए पढ़ाई लिखाई एंड एवरीथिंग. लेकिन अभी भी समझना चाहिए कि 80% एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है वो अभी भी चंबा के उस बैकवर्ड एरिया में फंसी हुई है, जिनको एक्चुअल में रिजर्वेशन जो है, जो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, वो रिक्वायर्ड है. सेम इज द केस विद किन्नौर, ठीक है ना. चलो आगे लिखो. अ राजा नोन एज बलभद्र, बल बी ए एल भद्र, इन्हें एक टाइटल मिला था, किसका? बलीकरण. बलीकरण क्या होता है? बहुत ही दयालु, जितना कुछ मेरे पास है आप रख लो, हद चैरिटी करता था ये राजा. तो ये ऐसे आपको फैक्ट बन सकता है. इनमें से कौन सा जो राजा था उसको उपाधि दी थी बलीकरण की, बिकॉज ऑफ हिज चैरिटी गिविंग नेचर. तो राजा है बलभद्र, बलीकरण, बी ए एल आई बली, बलीकरण. क्योंकि बहुत चैरिटी करते थे, लैंड ग्रांट देते थे. लैंड ग्रांट क्या होता है?
जमीन देनी. लैंड ग्रांट हैज बीन सो इम्पॉर्टेंट इन एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया. टेम्पल को दे दी है ना, और कहाँ कह दी, स्कूल्स बनाने के लिए, पाठशाला बनाने के लिए दे दी, और ब्राह्मणों को दे दी. एक्चुअली फ्यूडलिज्म का जो है ना, सबको पता है फ्यूडलिज्म क्या है? नहीं पता तो कभी डिस्कस कर लेंगे. समानता सिस्टम भी कहा जाता है इसे. फिलहाल बस इतना समझ लो, अगर मैं राजा हूँ ठीक है, तो कोई अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये वाली जो ज़मीन है इसका आप देखो काम, लेकिन कुछ हिस्सा रेगुलरली ट्रिब्यूट के फॉर्म में मेरी तरफ आते रहना चाहिए, तो वो एक फ्यूडलिज्म ही है. हाँ वो फिर वो इवॉल्व करेगा ग्रेजुअली. कईयों को मैंने फ्री में ज़मीन दे दी, जैसे कि जो बहुत होशियार लगे मुझे, या लगे कि इसको बोलते थे जैसे मिडिवल इंडिया में इनाम लैंड, अलग अलग किस्म की जागीर हुआ करती थी. वक्फ होती है चैरिटी, वक्फ बोर्ड होता ना मुस्लिम्स का, चैरिटी को दे दी ज़मीन, तो वहाँ से मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैंने इनाम के रूप में दे दी ज़मीन. कोई इतना होशियार है क्या बात कर दी, तो मैं उससे भी पैसे, मतलब उससे भी मैं जो चीज़ है मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी ये ज़मीन जो है मैंने आपको दे दी, अब आप अपने हिसाब से यूज़ करो. एंशियंट मिडिवल में जो आपका अर्ली मिडिवल पीरियड आता है, वहाँ पे ब्राह्मणों को ज़मीन दिया जाता था. तो ब्राह्मण क्या करते थे, खुद तो काम करेंगे नहीं है ना, तो बाहर से क्या बोलते हैं उन्हें, चंडाल वो लोग हुआ करते थे जो नॉर्मल एरिया ऑफ रेजिडेंस से जंगलों, मतलब बाहर रहते थे, जंगलों में काम करते थे. तो ब्राह्मण को देखो इतना ज़्यादा, मतलब अपना सेल्फ इंटरेस्ट प्रूव करना था कि जब ज़मीन मिल गई तो अब बोने वाला कोई चाहिए, अब क्षत्रिय वो काम करेगा नहीं, वैश्य आज अपने ट्रेड में और मर्चेंट में बिजी हैं है ना. बचे शूद्र, बाय द टाइम शूद्रज एक्चुअली स्टार्टेड बिकमिंग कल्टीवेटर्स, अपनी अपनी ज़मीन थोड़ी बहुत कर रहे हैं. गुप्ताज के बाद आप देखोगे शूद्रज के जो स्टेटस में है ना, वो काफ़ी इंप्रूवमेंट आया. इसीलिए बाहर से चंडालाज लाने पड़े, क्योंकि एक और वर्ण ऐड हो गया नीचे, तो शूद्रज का ऑटोमेटिकली, मतलब आप इंप्रूव हो ना हो, अगर आपसे भी नीचे कोई चीज़ आ जाए तो ऑटोमेटिकली आप इंप्रूव हो गए. तो वो जो चंडाल थे, पर ब्राह्मण ये बोलते थे कि जब हम अपने घरों से बाहर निकलें तो आप हमें, आपकी जो परछाई है वो भी हम तक नहीं आनी चाहिए. दूसरा, अपनी कमर के पीछे झाड़ू बांधे और घंटी लटकाएं ताकि हमें पता चल जाए कि कोई चंडाल आ रहा है. तो अब ये है, देख लो है ना, ब्राह्मणों को क्यों गालियां देते हैं स्टिल. चलो मैं भी ब्राह्मण हूँ क्या करें पर, है ना. चलो आगे लिखो यार, चंबा खत्म करना. बलभद्र के बारे में यही इंपॉर्टेंट है टाइटल, बलीकरण काहे, क्योंकि चैरिटी दिया करते थे. नेक्स्ट लिखो, हिज सन जनार्दन, बलीकरण का मतलब बलभद्र का जो बेटा है जनार्दन, हिज सन जनार्दन रिमूव्ड हिज फादर, या डिपोज्ड भी लिख सकते हो, इज अ बेटर वर्ड, डिपोज्ड हिज फादर एंड असेंडेड द थ्रोन, एंड असेंडेड द थ्रोन, फुल स्टॉप. अब कल मैंने आपको उसमें बताया था एक बार क्या, पर कल की तो बात है, कि जो दो भाई थे सूरजमल और उसका छोटा भाई जगत सिंह, सूरजमल भाग गया था, इफ़ यू रिमेंबर, उसने धोखा दिया था मुगलों को. जब वो कांगड़ा के फोर्ट पर आया, उसको लगा कि यार मुगल क्यों ले जाएं, मैं ही क्यों ना इस चीज़ को कंकर कर लूं. तो उसकी वजह से क्या हुआ था, वो तो ऑफ कोर्स अकेला जीत नहीं सकता था, फिर वो भाग गया था, इफ यू रिमेंबर कल ही पढ़ाया वो भागा था चंबा को. चंबा में जब ये बात पता चली, वहां पे जो उस समय जो राजा था वो था जनार्दन. अब ये थोड़ा सा वो करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो. उस समय था राजा जनार्दन, और मैंने कहा चंबा के जो रिश्ते रहे हैं मुगलों के साथ अच्छे रहे हैं, अच्छे रहे हैं. तो वहां से जब ऑर्डर आया, ठीक है, मुगल एम्परर्स का जो भी है, वहां से ऑर्डर आया कि जनार्दन को बोला गया कि यहाँ सूरजमल पहुंचने वाला है, किल हिम. तो वो बेसिकली सूरजमल को मार देता है. अब खून किसका खोलेगा, छोटे भाई का, जगत सिंह का. अब जगत सिंह बेसिकली, जगत सिंह वर्सेस हुम, जनार्दन. इस बैटल होती है, बैटल का नाम है द बैटल ऑफ डहलोग. द बैटल ऑफ डहलोग होती है, जिसमें अल्टीमेटली आपका जनार्दन क्या है, वो मारा जाता है.
तो जब जनार्दन मारा जाता है, दिस इज द रीजन कि जगत सिंह जो कि नूरपुर का राजा है वो चंबा में जाके मंदिर क्यों बना रहा है। कोई ऐसे जाएगा नॉर्मली वो बोलेगा यार अच्छा किसने बनाया मंदिर, बोले जगत सिंह ने, वो बोलेगा जगत सिंह चंबा में क्या करने आया था, तो ये करने आया था अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था। तो ये स्टोरी थोड़ी सी एसोसिएटेड है। काफी टाइम तक जो चंबा है हम बोल सकते हैं नूरपुर के अंडर रहा था, अंडर द रीन ऑफ जगत सिंह, क्योंकि जनार्दन वॉज डेड। लिख लो आगे क्या लिखा, डिपोज्ड हिज फादर एंड असेंडेड द थ्रोन, फुल स्टॉप। लिखो, ही किल्ड सूरजमल ऑफ नूरपुर। जनार्दन ने मार दिया ना सूरजमल जो भाग कर आया हुआ है, ही किल्ड सूरजमल ऑफ नूरपुर कॉमा जगत सिंह द यंगर ब्रदर ऑफ सूरजमल टुक रिवेंज बाय किलिंग जनार्दन, मीन्स नूरपुर वर्सेस चंबा, बाय किलिंग जनार्दन इन द बैटल ऑफ डहलोग, DHLOG, इन द बैटल ऑफ डहलोग। डेट लिखने लिख लो 1623, 1623, डहलोग, बैटल ऑफ डहलोग। हेंस चंबा केम अंडर जगत सिंह, हेंस चंबा केम अंडर रूलर जगत सिंह, ब्रैकेट में नूरपुर। बीस साल तक इन 20 साल में क्या हो गया, पीछे से जनार्दन का लड़का था एक, कौन, पृथ्वी सिंह बड़ा हो गया, ठीक है। कई बुक्स में लिखा है कि वो जब जनार्दन मर गया तो उसके जो पिताजी थे कौन, बलभद्र को दोबारा से रीइंस्टेट किया था, पर रहेगा तो चंबा जगत सिंह के अंडर ही। तो कई जगह लिखा है कि जो लड़का था वो किसका था, एक और बच्चा हो गया था बोला पीछे से बलभद्र का, कई जगह ये लिखा हुआ है वो लड़का पृथ्वी सिंह है, और कई जगह ऐसे लिखा हुआ है कि जो ये जनार्दन है जनार्दन का लड़का बड़ा हो गया जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि पृथ्वी सिंह का मतलब पिताजी कौन थे, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बेसिकली इन्हीं की लीनियज का लड़का है आगे कौन, पृथ्वी सिंह, जो बेसिकली अब बदला लेगा कि उसको चंबा वापस चाहिए। क्यों, क्योंकि 20 साल तक चंबा किसके अंडर रहा, नूरपुर के अंडर रहा, यानी जगत सिंह के अंडर रहा। लिख लो आगे नेक्स्ट फैक्ट, पृथ्वी सिंह विद द हेल्प ऑफ एट द टेंडर एज ऑफ 4 years, जब वो 4 साल का था, पृथ्वी सिंह एट द टेंडर एज ऑफ 4 years वॉज एस्कॉटेड टू मंडी। एक नर्स का नाम आता है बाटलू, वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी सिंह एट द टेंडर एज ऑफ 4 साल वॉज एस्कॉटेड टू मंडी बाय नर्स बाटलू, BATLU, अंडरलाइन करना बाटलू को, फुल स्टॉप। पृथ्वी विद द हेल्प ऑफ मंडी कॉमा गुलेर, मंडी कॉमा गुलेर अटैक्ड चंबा टू रीगेन द कंट्रोल। फुल स्टॉप। दूसरा फैक्ट पृथ्वी सिंह के बारे में, बीइंग वेरी हैंडसम,
अब देखना पड़ेगा ना कितने हैंडसम थे. बीइंग वेरी हैंडसम ही वॉज चेरिश्ड बाय शाहजहां. ही वॉज चेरिश्ड बाय शाहजहां एंड हेंस ट्रेवल टू डेली नाइन टाइम्स. एंड हेंस ट्रेवल्ड टू डेली नाइन टाइम्स. फुल स्टॉप. शाहजहां गिफ्टेड हिम. यस शाहजहां गिफ्टेड हिम एन आइडल ऑफ रघुबीर. रघुबीर कृष्ण का ही अवतार है नहीं, कृष्ण का ही वो है दूसरा नाम. शाहजहां गिफ्टेड हिम एन आइडल ऑफ रघुबीर. तो यहां से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि शाहजहां ने किस राजा ऑफ चंबा को क्या गिफ्ट किया था. तो अब सिंपल सी बात है, पृथ्वी वॉज वेरी वेरी हैंडसम. वैसे भी पृथ्वी राज चौहान भी वेरी वॉज वेरी वेरी हैंडसम, तो वहां से भी याद रख सकते हो. इतना हैंडसम था कि शाहजहां ने बोला आइडल ले लो. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्ट एंड नेक्स्ट राजा. छत्तर सिंह. छत्तर सिंह सी एच ए टी टी ए आर छत्तर सिंह. छत्तर सिंह के बारे में एक ही चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसके समकालीन है, औरंगजेब के. अब समकालीन ठीक है. औरंगजेब ने ऑर्डर भेजे बहुत सारे राजाओं को कि आइडल्स को, क्योंकि जो इस्लाम में आइडल वर्शिप हराम है. ठीक है ना, आइडल वर्शिप हराम है. और इनफैक्ट आप देखोगे इस्लाम में उस समय पेंटिंग्स जो बनाई जाती थी, कभी भी जो पेंटिंग्स है वो किसकी नहीं बनती थी, भगवान की कोई पेंटिंग आपको कभी भी नहीं दिखेगी. मोस्टली ये लोग कैलीग्राफी किया करते थे, है ना. और कैलीग्राफी करेंगे और क्या करते हैं, क्या बनाते हैं ये मोटिव्स. मोटिव इन द सेंस कि जो आपके मॉस्क के बाहर जो डिज़ाइंस बने होते हैं, है ना. तो वो थोड़ा बहुत हिंदू उसमें से लिया गया है. जैसे कई जगह पे छोटा छोटा स्वास्तिका का भी एक रोल दिखाई देता है, फ्लावर्स लिए गए हैं. तो ये हमें पता चलता है इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ आपका हिंदू और मुस्लिम का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल का जो कल्मिनेशन हुआ है उसे कहा जाता है इंडो सार्सेनिक आर्ट. आपने सुना होगा इंडो सार्सेनिक आर्ट क्या होता है, जहां पे हिंदुइज्म के फीचर्स और इस्लाम के फीचर्स आर्किटेक्चरल फॉर्म में मिले, दैट इज नोन एज सार्सेनिक आर्ट, इंडो सार्सेनिक आर्ट. ठीक है, तो छत्तर सिंह ने क्या बोला, औरंगजेब की बात मान ली. औरंगजेब ने वहां से ऑर्डर बोला कि जितने भी आपके जो आइडल्स वगैरह हैं उनको डीमोलिश कर दिया जाए. ठीक है, तो इसने बिल्कुल ही मना कर दिया, डिफाई कर दिया. तो फिर खुद सोचो, फिर तो औरंगजेब वहां से डंडा लेके आ सकता था, क्यों नहीं आया होगा. मुगल एम्परर को आप मना कर रहे हैं कि जा, नहीं करता, ऐसा क्या हुआ होगा. औरंगजेब तो है, औरंगजेब को क्या पता, क्या बोला जाता है पता है, जिंदा पीर. औरंगजेब के समय जब औरंगजेब गद्दी पे चढ़े हैं ना, तो इतनी मुश्किलों में चढ़े हैं क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो पूरी की पूरी तिजोरी खाली कर चुके हैं. तो इतना ज्यादा डेट है, इतना ज्यादा बर्डन है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. उनको तो जजिया भी लगाना पड़ना था, है ना. दूसरा, जब आपके टाइम पे बाकी फोर्सेस, फॉर एग्जांपल हिंदू फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो आप वही चीज करोगे जो हिंदुओं को बुरी लगती है, यानी जजिया. दूसरा, मंदिर तोड़ना. ये दोनों चीजें हिंदुओं के दिल में बचती हैं. दैट्स व्हाई नेवर एवर जज एन एम्परर फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ जो आपको लगता है कि यार हिंदू मुस्लिम की टसल है. ऐसा कुछ भी नहीं. हर एक एम्परर जो है वो अपने नीड्स को सर्व करते हैं. उस समय उनको जो भी लगा, है ना. उस समय आपको पता है मराठे, मराठास कितने ज्यादा एक्टिव थे. तो मराठास आर आपके बिल्कुल कोर हिंदू. तो जो उनको प्रॉब्लम होनी थी औरंगजेब ने वही किया. इसका जो आंसर है वो ये है कि औरंगजेब डेक्कन चले गए थे. आप लोगों ने सुना होगा औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के 25 साल डेक्कन में लगा दिए. किससे लड़ते लड़ते, मराठाओं से. मराठाओं से लड़ने के लिए जो जगह है वहां पे गोलकोंडा, बीजापुर, वो भी अनेक्स कर लिए, जिसे औरंगजेब का सबसे बड़ा ब्लंडर कहा जाता है. क्योंकि गोलकोंडा बीजापुर एक बफर एक्ट कर रहा था, एक बीच में एक सिस्टम था जो मराठाओं और मुगलों को दूर रखे था. जिस दिन गोलकोंडा और बीजापुर भी खत्म हो गए, उस दिन क्या हो गया, एक तो डेक्कन,
है ना, डेकन में तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, और जो जंगल है वहां पे मराठा है जो गुरिला वॉरफेयर करते हैं। आप बेसिकली वहां से तीर वगैरह निकाल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पीछे से आपको एक बज गया यहां से वो तीर जो भी है, आप खत्म। तो फिर डेकन में जाके मराठाओं को हराना और ये सोच रखना औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती रहा है। इसे कहा जाता है औरंगजेब हैड डेकन अल्सर विच फाइनली टर्न्ड इनटू मुगल कैंसर। अल्सर क्या होता है? छोटा सा है ना वो, अगर उसको नहीं ठीक किया जाए तो वो अल्सर कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो ये है, तो वहां का डेकन अल्सर किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये रीजन था कि छत्तर सिंह ने बेसिकली डिफाई कर दिया, तो औरंगजेब नहीं आता। हो सकता है औरंगजेब आता तो फिर चंबा की हिस्ट्री कुछ और ही हो जाती, फिर वहां सारे वो ही होते अब्बू जान और वो, है ना। तो ये रीजन था। लिख लो छत्तर सिंह के बारे में, ही बिल्ट छतरगढ़ फोर्ट। छतरगढ़ फोर्ट कॉमा ही रिफ्यूज्ड द ऑर्डर्स ऑफ औरंगजेब टू डिस्ट्रॉय द हिंदू आइडल्स और टेम्पल्स, टू डिस्ट्रॉय द हिंदू आइडल्स और टेम्पल्स फुल स्टॉप। औरंगजेब, मैं जो बता रही थी आपको कि जिंदा पीर कहा जाता था, वो अपने फ्री टाइम में क्या करते थे, टोपियां बनाते थे रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने ये मना कर दिया, पहले क्या होता था कि सिक्कों पे लिखा जाता था, जो इस्लाम की जो आपकी कुरान की जो कलमें होती हैं वो लिखा जाता था। वो कहता है कि अगर पैर में गिर गई तो फिर तो इसका मतलब है कि बेइज्जती टाइप हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं जो एक्चुअल में रैशनल थी। अकबर के समय में अकबर एक साल में दो बार अपना बर्थडे मनाता था। बलबन के टाइम से झरोखा दर्शन है, ये सब पैसे को बर्बाद करने वाली आइटम है। बलबन याद है आप लोगों को? बलबन क्या बोलता था कि देयर शुड बी अ रीजनेबल डिस्टेंस कि एक राजा और प्रजा में। बोला आज मैं खिड़की के पास आऊंगा और लोग मेरा झरोखा दर्शन करेंगे, दैट इज झरोखा दर्शन, कि आप मुझे यहां देख सकते हैं। बलबन की कोर्ट में कोई हंस नहीं सकता था। ये जितनी भी अजीब सी चीजें थी वो औरंगजेब ने एक्चुअल में रैशनल होके हटा दी, कोई जरूरत नहीं है। अकबर अपने बर्थडे पे एक साल में दो बार वो करता था तुलादान, एक तरफ खुद बैठा हुआ है तो होगा कम से कम 60-70 कितने का होता है मुझे नहीं पता कितने केजी का होगा अकबर, तो उस हिसाब से गोल्ड को वे किया जाता था। ये सारी की सारी चीजें औरंगजेब के समय खत्म हो चुकी थी क्योंकि ट्रेजरी जो है वो ड्रेन हो चुकी है। तो हमें कभी भी किसी, आप आगे इंटरव्यू में बैठेंगे और अगर हिस्ट्री आपका ऑप्शनल रहा है, एक जनरल भी कोई चीज़ है, तो वहाँ पे किसी भी रूलर को आप ये कभी भी नहीं कहेंगे। आप ये ज़रूर बोलेंगे कि औरंगजेब के केस में थोड़ा सा रिलीजियस फनाटिसिज्म था, बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो टाइम फ्रेम क्या था, कंटेम्पररी कंडीशंस कैसी थी। ये है, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ बैठ के अलग बनाएगी बाहर वाले लोगों से। वो बोलेंगे ऐसे औरंगजेब तो ये था वो था, नो, नाउ यू विल हैव एन एडिशनल एक्स्ट्रा डिफरेंट पॉइंट। आगे आ जाओ यार, उमेद सिंह, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उमेद सिंह क्या लिखा, क्या ही बस ये लिखा है कि उसने औरंगजेब की ऑर्डर्स को डिस्ट्रॉय मतलब रिफ्यूज किया, है ना। ऑर्डर क्या था कि मंदिरों को नष्ट किया जाए। नेक्स्ट राजा उमेद सिंह, उमेद है, यस, उमेद सिंह, उमेद, यू एम ई डी, उमेद सिंह। पहला लिख लो पॉइंट, ही पास्ड ऑर्डर्स टू बैन सती। अकबर ने भी करवाया था, ही पास्ड ऑर्डर्स to ban sati। next point, इन्हीं का उमेद सिंह का, he constructed रंग महल। ये question बहुत expected रहता है, हर 3 साल में आता रहता है। he constructed रंग महल comma नाडा महल
NADA, नाडा महल कॉमा देवीरी कोठी, लोकल डायलेक्ट में देवीरी कोठी बट देवी री कोठी मंदिर किस्म का है, चामुंडा माता का मंदिर किस्म का है, देवी हाइफन आर आई कोठी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रंग महल है कि रंग महल, अब रंग महल में मैंने कैसे याद किया था कि रंग महल का मतलब है ऐसी जगह जहां पे बहुत एंटरटेनमेंट होता है, लोग डांस करते हैं ये, तो फिर मैंने उमेश सिंह की पिक्चर भी वैसे ही बना ली थी ग्लास लेके और ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो फिर मुझे हंसी भी आई थी, पर ये है कि याद रह जाता है। तो यू कैन ऑल्सो इमेजिन लाइक दैट, इमेजिनेशन पे कोई वो नहीं है, ना ही टैक्स है और ना ही लिमिट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट आ जा, राज सिंह, राज सिंह इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर्स थे, लिख लो, फेमस पेंटर्स लाइक, फेमस पेंटर्स लाइक निक्का, निक्का क्या होता है छोटा, निक्का कॉमा रांझा, रांझा रांझा छज्जू एंड हरकू, छज्जू एंड हरकू, ये आगे पेंटर्स चंबा के। सबसे फेमस इसमें निक्का पेंटर ही है कि निक्का पेंटर कहाँ का पेंटर, किसके टाइम पे था, राज सिंह। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राज सिंह वॉज किल्ड बाय होम, ठीक है, राज सिंह वॉज किल्ड बाय MSC महाराजा संसार चंद, ठीक है, फॉर रेलू, फॉर रेलू। तब से फिर वहां से वो नेरेटिव फेयर वगैरह स्टार्ट हो गया है ना, इसे लिंक है हिस्ट्री, फॉर रेलू, ठीक है ना। संसार चंद ने आते क्या किया था 1786 में, एक चंबा के राजा को उड़ाया, बिलासपुर के ईश्वरी सेन को, सॉरी मंडी के ईश्वरी सेन को 12 साल जेल में रखा, और तीसरा बिलासपुर पे अटैक किया जो कि उनके डाउनफॉल का बहुत बड़ा कारण बना। महान चंद ने फिर वहां से किसको बुला लिया, अमर सिंह थापा, और फिर अमर सिंह थापा को किसने हराया, रंजीत सिंह ने, कसम खाई ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी 1809। उसके बाद क्या हुआ, फोर्ट चला गया सिखों के पास और वहां पे किलादार अपॉइंट कर दिया रंजीत सिंह ने, देसा सिंह मजीठिया, वो पहले। अब ये थोड़ा आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। रंजीत सिंह से रिलेटेड इज देसा सिंह मजीठिया, रंजीत सिंह मजीठिया कुछ भी याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा है मैं जानती हूं, टायरिंग है, क्या करें, थोड़े बचे हैं, लिखो नेक्स्ट, चरहत सिंह, CHARHAT, चरहत सिंह। और देखो सबके बारे में फैक्ट एक एक लाइन ही है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, इनकी इसमें लिख लो, हिज वाइफ रानी शारदा, हिज वाइफ रानी शारदा कंस्ट्रक्टेड राधा कृष्ण टेम्पल, राधा कृष्ण टेम्पल। फेमस वजीर नाथू इनके टाइम पे है, फेमस वजीर या नाथू वजीर कहा जाता है, वजीर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता था, द रोल ऑफ वजीर इज टूडे एकिन टू प्रधानमंत्री, और पहले मुगलों के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर भी यही होते थे, रेवेन्यू वाला भी यही संभालते थे, और प्रधानमंत्री का रोल भी वजीर ही संभालते थे। फेमस वजीर नाथू, आगे लिखो, नाथू वजीर, इन्हीं के आगे, नाथू वजीर वॉज इंस्ट्रूमेंटल, नाथू वजीर वॉज इंस्ट्रूमेंटल, मतलब कि इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल, नाथू वजीर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन नेगोशिएटिंग 1809 ज्वालामुखी ट्रीटी, 1809 ज्वालामुखी ट्रीटी,
अब समझ आया नाथू वजीर रंजीत सिंह की दोस्ती कैसे है? काफी हद तक ऐसे है, ठीक है। यही रीजन है कि रंजीत सिंह का ध्यान कांगड़ा तक सीमित रहा और चंबा नहीं चला गया, बिकॉज वजीर नाथू ने वहां पे अपना मास्टर स्ट्रोक खेल लिया था। और एक और बार खेला था, एक बार रंजीत सिंह को कि घोड़े फंस गए थे, वो कश्मीर जा रहे थे और वहां इतनी बर्फ होती है तो घोड़े फंस गए थे, तो वहां से जो नाथू वजीर है उन्होंने काफी व्हीकल वगैरह जो है, नॉट व्हीकल ऑफ कोर्स, घोड़े वगैरह जो भी है वो अरेंज करा के दिए थे। तो ये भी है। नेक्स्ट लिखो इन्हीं के उस पे विग्ने ट्रैवलर जो कल लिखाया था VIGNE विग्ने एंड कनिंगम बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिंगम ने वाइडली स्टडी किया हुआ है हिमाचल को। विग्ने एंड कनिंगम विजिटेड चंबा ड्यूरिंग द रूल ऑफ चरहत सिंह 1839 के आसपास। ठीक है, चरहत सिंह। तो चरहत सिंह के बारे में यही इंपॉर्टेंट थी। एक, इनकी वाइफ ने मंदिर बना दिया, वहां से दो ट्रैवलर घूमने आ गए बाहर के, और तीसरा क्या, मतलब चरहत सिंह ने खुद कुछ किया नहीं है, है ना, वाइफ ने कर दिया और वजीर ने कर दिया बस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर श्री सिंह लिखो इसमें। ड्यूरिंग हिज रूल चंबा केम अंडर ब्रिटिश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग हिज रूल चंबा केम अंडर ब्रिटिश फुल स्टॉप। He remained loyal to British, comma, sent his troops to Dalhousie to help British 1857 में, कॉमा, इन रिटर्न ही वॉज अवॉर्डेड सनद, SANAD, सनद। सनद क्या होता है? सनद है, टाइटल है, टेरिटरी है जिसमें इज्जत भी है और एक तरीके की पावर भी है, और ऐसा है कि आप मैक्सिमम अपने पास रख सकते हो और थोड़ा सा हिस्सा, काफी थोड़ा बहुत हिस्सा देना तो पड़ेगा ही। तो एक तरीके से ये ब्रिटिश और रूलर्स को बांध के रखता था, लॉयल रखता था, दैट वॉज अ सनद। अब सनद में अलग अलग रोल्स भी डिसाइड हो सकते हैं, वो इनके आपस की बात है, वो कैसे वेरी करते हैं, बट ही वॉज गिवन अ सनद बाय ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि 1857 में इन्होंने ट्रूप्स भेजे थे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। ड्यूरिंग हिज रूल मेजर ब्लेयर रीड, BLAIR, मेजर ब्लेयर रीड वॉज अपॉइंटेड सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा। इन्हीं के रूल में मेजर ब्लेयर रीड वॉज अपॉइंटेड एज सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा। बोला इसको वो करना नहीं आता, मैनेज करना नहीं आता है। तो एक तरफ खुद ही सनाद दे रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं मिसमैनेजमेंट कर रहे हो, आपको आप मैल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो एक काम करते हैं वहां पे SP लगाते हैं, ठीक। तो प्लीज याद रखना, टाइम देख लो 1863 में कि कब मेजर ब्लेयर रीड को अपॉइंट किया गया था SP ऑफ चंबा, 1863। एक ब्रैकेट बना के ट्रीटी लिखना, ट्रीटी ऑफ अमृतसर
हाँ जी, कब हुई थी? 9 मार्च 1846। ब्रैकेट बना के लिख लो छोटा सा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच हुई थी पहले? गुलाब सिंह इसमें नेगोशिएटर है जो कश्मीर ले गया यहां से, ठीक है, ये ब्रोकर था बीच में, ठीक है, लिख लो इसमें। इट टुक प्लेस बिटवीन सिख एंड ब्रिटिश which confined the Sikhs to the north of Satluj. बोला सतलुज से नीचे नहीं आएंगे आप लोग, ऊपर ही रहेंगे। टू द नॉर्थ ऑफ सतलुज, मतलब जितने भी एरिया सतलुज के ऊपर साइड है, ये सारा का सारा कांगड़ा जलंधर दुआब वाला ये सारा का सारा एरिया, बोला सिख वहीं रहेंगे, सतलुज के साउथ में आप नहीं आओगे, यहां हम अंग्रेज रहेंगे। ये ट्रीटी का पहला पॉइंट था इसमें, है ना, सतलुज कॉमा। इट गेव द एरिया ऑफ एरिया बिटवीन सॉरी इट गेव द एरिया बिटवीन सतलुज एंड ब्यास टू ब्रिटिश फुल स्टॉप। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द जलंधर दुआब केम अंडर ब्रिटिश फुल स्टॉप। गुलाब सिंह बींग एन इंपॉर्टेंट नेगोशिएटर वॉज अवॉर्डेड कश्मीर। उस समय यह बात हुई कि चंबा को भी मर्ज कर देते हैं कश्मीर के अंदर। तो क्वेश्चन यहां से यह बनता है, वो कौन सा वजीर था जिसने ये होने से रोका था? है क्या? हाँ, एक्चुअली भागा वजीर। आगे लिख लो, इट वॉज प्रपोज्ड हाँ इसी में, इट वॉज प्रपोज्ड टू मर्ज चंबा विद कश्मीर बट ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ वजीर भागा कुछ भी है ना, भागा BHAGA, बट ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ वजीर भागा इट डिड नॉट हैपन सो नहीं तो फिर चंबा कश्मीर का पार्ट होता, ठीक है, क्योंकि चंबा का अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो चंबा ये है, लाहौल स्पीति लगता है यहाँ, नीचे कांगड़ा वाला एरिया लगता है, और यहाँ पे क्या लगता है, गुरदासपुर वाला पोर्शन भी लगता है ना, और है, और इधर जैसे वो लगता है लद्दाख, है ना, इस साइड लगता है लद्दाख, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, और वो गुरदासपुर वाला एरिया, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा दी ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्योंकि क्या पता मेंस में आ जाए कभी 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एक हमने ज्वालामुखी की ट्रीटी पढ़ ली, उसमें कुछ था भी नहीं, उसमें बस यही हल्की फुल्की बातें की गई थी कि, है ना, आई वाउच फॉर यू कि आपकी मदद कर दी जाएगी। इन रिस्पॉन्स रंजीत सिंह को क्या मिला था? कांगड़ा का फोर्ट और 66 villages। फिर उस वाले एरिया को ना कांगड़ा लंबरगांव एरिया कहा जाता था, कांगड़ा लंबरगांव एरिया। दूसरा ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ, ठीक है, और इसमें क्या हुआ मैंने आपको बता दिया, ये जो एरिया था वो ब्रिटिश को मिल गया था, सिख कन्फाइंड हो गए थे,
और एक कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज ऑल्सो देयर. सब्सिडरी अलायंस क्या होता है एक्चुअली? सब्सिडरी अलायंस हम पढ़ते हैं, कौन लेके आए थे? ब्रिटिश लेकर आए थे. उसमें ये था कि अगर ये आपका एरिया है तो यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, बोले तो हमारी एक टुकड़ी जो है वो भी वहीं रहेगी, आप ही उनको खिलाओगे, आप ही उनको पिलाओगे, खर्चा भी आप दोगे. हम क्या कर रहे हैं, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं. अमेरिका का जो क्रांति हुई है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, वहां पे सेम कंसेप्ट ब्रिटिश लेकर आए थे. इट वॉज नोन एज क्वार्टरिंग एक्ट. सो क्वार्टरिंग एक्ट, क्योंकि अमेरिका क्या है, ब्रिटिश ने ही बसाया है अमेरिका. जो लोग रूठ के चले गए ब्रिटेन से, अलग धर्म के उसमें खोज में, प्रोटेस्टेंट कल्चर कहा जाता है, उन्होंने जाके बसा दिया अमेरिका. तो अमेरिका में भी यही होता था कि जो एक्ट्स यहाँ लाए गए हैं वो एक्ट्स वहाँ. पर वहाँ क्रांति क्यों आ गई? क्योंकि वहाँ पे उन्हीं के बंदों ने अलग मिलके बनाया है. तो घर के भेदी तो लंका ढाते हैं, उनको पता था कि ब्रिटिश सूत में कैसे आएंगे. इसीलिए अमेरिका जो है वो पहला आपका इंडिपेंडेंट जो कंट्री है वो उभर के आया, और ब्रिटिश को बेसिकली उन्होंने साइडलाइन किया. तो क्वार्टरिंग एक्ट वहाँ, वहाँ पे भी सेम होता था कि अमेरिका ही रेवेन्यू करेगा, सब कुछ वही देगा, लेकिन किस लिए? बोला हम आपके प्रोटेक्शन में. प्रोटेक्शन वहाँ किससे हो रही थी? फ्रांस से, क्योंकि जो कैनेडा वाला एरिया था दैट वॉज बेसिकली फ्रांस की टेरिटरी थी. वो तो बाद में जाके हो गया. एक बार फ्रांस का खतरा हटा तब अमेरिका, अमेरिकन्स ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट करी है. होते तो ये भी बहुत होशियार हैं, पहले क्यों चुप थे? क्योंकि फ्रांस का खतरा था. जैसे ही फ्रांस बाहर हुआ, सेवन ईयर वॉर के बाद बाहर हो गया था फ्रांस, है ना, 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस ये हुआ था. ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रही हूँ कि ब्रिटेन जहाँ जहाँ रूल किया है सेम ही पॉलिसीज के साथ चलता है. तो जो सब्सिडरी अलायंस वाला पार्ट है, ठीक है, तो यही है कि ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, सारा खर्चा आप दोगे, हम आपको बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो ये भी एक यहाँ पे पॉइंट रहा है. तभी आप देख सकते हो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट वगैरह जो हैं वो लगाए जा रहे हैं. सुपरिटेंडेंट तो क्या ही है, लॉयलिस्ट है, कि कुछ भी हो एकदम खबर मिले कि चंबा में ये हो गया है, वो हो गया. ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्लीज. बस अब नहीं बचे, अब हार्डली दो राजा बचे. ठीक है, आई नो थक जाते हैं, पता है मेरे को. पर ये चंबा, कांगड़ा और मेरे ख्याल से कुल्लू ही है ना, ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. बाकी तो शायद देखो आप लोग खुद भी पढ़ लोगे. फिर ये है, लिख लो. श्याम सिंह अच्छा, विग्ने किसके समय आए थे? विग्ने और कनिंगम चरहत सिंह के समय आए थे. ठीक है ना, वाइफ, वजीर, चरहत का कोई रोल नहीं है. अब नेक्स्ट क्या है, श्याम सिंह शाम को टहल रहे थे और उन्हें वहां से मायो मिले, लॉर्ड मायो, या फिर ऐसे बोलो कि श्याम सिंह जो है गोलमाल रिटर्न्स देखने गए थे, तो वो मायो एओ. ठीक है, मर्जी है कैसे इमेजिन करना है, बट समझाने का मेरा मतलब है कि किसके शासनकाल में चंबा का कौन सा राजा था जहाँ पे लॉर्ड मायो विजिट किए थे, 1871 में. अभी लॉर्ड मायो का भी विजिटिंग जो टाइम है वो यही है, मैक्सिमम जगह आपको यही मिलेगा 1871. लिख लो श्याम सिंह के उसमें. नंबर वन, गोपाल सिंह है, दैट इज नॉट श्याम सिंह. श्याम सिंह के समय करजन आए हुए हैं, क्योंकि 1900 का जो वक्त है वो करजन का वक्त है. गोपाल सिंह लिखना, एक ही की फैक्ट है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ गोपाल सिंह लॉर्ड मायो केम. वैसे ये तो और ज्यादा अच्छा हो गया, उसमें अजय देवगन का नाम गोपाल था ना, था ना, हाँ, तो बस गोपाल सिंह के समय लॉर्ड मायो आए थे 1871. ठीक है, अब लिख लो श्याम सिंह केम, घूमते फिरते 1871. अब लिख लो श्याम सिंह, इसमें लिखो लॉर्ड कर्जन विजिटेड, कर्जन आए थे 1900 में, 1900. कर्जन के समय क्या हुआ है?
बंगाल का विभाजन, ठीक है? बंगाल का विभाजन कितनी बार हुआ है? है ना, एक 1905, एक 47 में, और कभी गलती से गोरखालैंड बन गया तो तीसरी बार हो जाएगा। तो जब आप गोरखालैंड के लिए बोलते हैं कि गोरखालैंड दे देना चाहिए कि नहीं दे देना चाहिए, तो वहां हम नहीं दे देना चाहिए में लिखते हैं कि ऑलरेडी बंगाल ने इतना ब्लडशेड देखा हुआ है दो बार पहले, तीसरी बार नहीं करने। ठीक है, आगे लिखो यार। 1900 कर्जन का ना, 1900 श्याम सिंह के समय लिखो, कर्नल रीड हॉस्पिटल वॉज ओपन्ड। कर्नल रीड, वही ब्लेयर रीड के नाम से पढ़े, कर्नल रीड हॉस्पिटल वॉज ओपन्ड, कॉमा शीतला ब्रिज ऑन रिवर रावी, शीतला ब्रिज ऑन रिवर रावी वॉज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। थोड़े टाइम बाद वो टूट गया था ब्रिज, तो अब उसकी जगह सस्पेंशन ब्रिज क्रिएट किया गया है, जैसा एक मंडी में भी है। शीतला ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर रावी इन्हीं के टाइम पे। ही अटेंडेड दिल्ली दरबार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही अटेंडेड दिल्ली दरबार 1877। जितना मेरे को याद आ रहा है दिल्ली में तीन बार दरबार लगे हैं, 1877 में लगा है, एक कर्जन के समय लगा है, और एक 1911 में लगा है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एनल्ड, है ना। चलो बस श्याम सिंह के बारे में यही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला फैक्ट श्याम सिंह का, पहला मायो कब आए थे, गोपाल के, है ना, गोपाल के टाइम पे। दूसरा श्याम सिंह में कौन आया था, कर्जन। नेक्स्ट हॉस्पिटल खोला गया और ब्रिज बनाया गया, शीतला ब्रिज, डन। नेक्स्ट आगे भूरी सिंह, फाइनली, है ना, भूरी सिंह लिखो। भूरी सिंह में चार्ल्स, इन्हीं का फैक्ट है, चार्ल्स रिवर्स, आर आई वी ए जेड, चार्ल्स रिवर्स, ये उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आपके पंजाब के, चार्ल्स रिवर्स इंस्टॉल्ड भूरी सिंह एज अ रूलर, इंस्टॉल्ड भूरी सिंह एज अ रूलर। भूरी सिंह श्याम सिंह का भाई है। एज अ रूलर, नेक्स्ट पॉइंट, इन 1908 म्यूजियम बना। जेपी वोगल ने क्या लिखा है अपनी किताब में म्यूजियम को, चंबा अचंबा, ठीक है। भूरी सिंह म्यूजियम वॉज कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव द टाइटल ऑफ नाइटहुड, रिसीव द टाइटल ऑफ नाइटहुड, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में इन्होंने, या टू हेल्प इन वर्ल्ड वॉर वन। लास्ट पॉइंट इसमें, कंस्ट्रक्टेड अ पावर हाउस ऑन रिवर साल, एस ए एल, ऑन रिवर साल, हेंस बाय 1910 पावर हाउस बनाया था साल नदी पे, एंड हेंस बाय 1910 चंबा वॉज इलेक्ट्रिफाइड। और हम अभी 2018 तक, है ना, सौभाग्य स्कीम वगैरह निकाल के बैठे हैं कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो। आपको पता है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब होता है? ऐसी डेफिनेशन है कि मजाक लगता है, हैं? सुना है कहीं कुछ डेफिनेशन इस तरह की होती है, एग्जैक्ट तो मेरे को भी याद नहीं है, पर अगर किसी एरिया में आपके 10 विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन माना जाता है। हाँ, वो देखो, वो सौभाग्य स्कीम का कंपोनेंट आप बता रहे हो, यू आर एक्चुअली राइट, बट मैं बता रही हूँ कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होती क्या है, ये होती है कि कुछ विलेजेस अगर इलेक्ट्रिफाइड हैं तो वो है ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना,
हाँ ना, फिर उसके बाद ODFF प्लस प्लस, फिर प्लस 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 प्लस, है ना? है ना? पर एक ये भी सर्वे निकला था कि जिन जिन घरों में टॉयलेट्स हैं वहाँ यूज हो रहे हैं, एंड विमेन एक्चुअली आर दी यू नो पार्टिसिपेंट जो एक्चुअल में यूज करती हैं, बिकॉज इट हैज़ बीन लिंक टू व्हाट, एक स्टिग्मा, खुले में जाना. मेन शुड एक्चुअली नॉट गो एंड डेफिकेट इन ओपन. डेफिकेट छोड़ो, नॉट यूरिनेट इन ओपन. आई बिलीव सो. आप लोगों को क्या लगता है, वाई इज इट सो एक्सेप्टेबल फॉर अ मैन टू यूरिनेट इन ओपन एंड नॉट कन्वीनियंट मेंटली फॉर अ वुमन? पेट्रियार्की. आई बिलीव सो. अगर कोई आदमी खुले में जाके यूरिनेट कर सकता है, देन ही कैन ओपन द सेम पैंट टू रेप समवन. आई बिलीव इट इज इक्वल. अगर आपको सोसाइटी में शर्म ही नहीं है, सिंपल है ना यार, जब शर्म ही नहीं है तो फिर तो देख लो. एक्चुअली हाँ, शेम हैज बीन कन्फाइंड टू वुमेन. Yes. That's like you are being judged. Yeah. And yes. That is called gender sensitization. Yes, gender sensitization. ठीक है ना? चलो ये तो ऐसा मुद्दा है कि कभी खत्म ही नहीं होगा. खत्म करो यार फटाफट चंबा. लास्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ, लास्ट राजा है बस खत्म. ड्यूरिंग द रूल ऑफ लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण वो पहले लक्ष्मी वर्मन पढ़ा था, है ना? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लक्ष्मण सिंह, चंबा वॉज मर्ज्ड एंड फाइनली बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट 8 मार्च 1948. तुम्हारा रट्टा अच्छा है ना? नहीं, इट्स गुड. मेरे को अपनी याद आ रही है. ठीक है, चंबा वॉज मर्ज्ड एंड बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट 8 मार्च नहीं याद रहता था, कोई बात नहीं, 1948. ठीक है, ये हो गई हिस्ट्री. कितना कर मुश्किल लगा वैसे हिस्ट्री है? लेंदी है नहीं वैसे, है फैक्टी, पर हमें लगता है इतने सारे फैक्ट्स ना तो याद नहीं होगा. बट मैं फिर बोल रही हूँ, तुम्हारे पास दो तरीके हैं पढ़ने के. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलो या यूट्यूब पे वीडियोस खोलो, ऐसे लिख दो चंबा हिस्ट्री MCQs, फिर देखो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. वहाँ नहीं समझ आ रहा, कॉपी देखो. अच्छा ये है, प्रैक्टिस तो लगेगी. एक बारी में कभी भी किसी को याद नहीं होता है ना? पर बस ये है कि मेंटल बैरियर नहीं बनाना कि याद नहीं होगा. अब लिख लो कल्चर का थोड़ा सा. डांस लिख लो पहले, डांसेस ऑफ चंबा, जो फोक डांसेस हैं. हाँ जी, कौन कौन से हैं? हाँ हाँ, फूल यात्रा डांस हुआ कोई, फेस्ट हुआ. हाँ वो अलग बात है कि हम फेस्टिवल में नाचते हैं. हैं देखो कोशिश करते हैं. चलो पहले कीवर्ड लिखो. कीवर्ड तो कैसे लिखोगे? इमेजिन करो एक गुज्जर है, क्योंकि चंबा में गद्दी और गुज्जर होते हैं. वैसे डिफरेंस ये होता है, गद्दी जो होते हैं उनके पास भेड़े ज़्यादा होती हैं, गुज्जरों के पास भैंसे ज़्यादा होती हैं. तो ये दो डिफरेंस है. गुज्जर भैंस लेके कहीं जा नहीं सकते, इसलिए सेटल्ड होते हैं, वो कहीं भी जाते रहते हैं. ठीक है, हाँ. एक गुज्जर है, रात का समय है, वो हाथ में दीपक लेके चल रहा है. एक हाथ में दीपक है, एक हाथ में द्राट है, द्राटी, सिकिल, है ना, द्राटी जिससे घास काटते हैं, द्राटी. ठीक है, द्राटी है,
और उसके पैरों में झांझर है, बस क्या बोला मैंने, एक गुज्जर है, गुज्जर रात में जा रहा है, एक हाथ में दीपक है और एक हाथ में द्राटी है और पैर में झांझर है। तो तुम्हारे को चंबा के चार पार डांसर्स तो याद हो गए, लिखो अब। पहला डांस है, अच्छा और एक और बताती हूँ, एक हाथ में दीपक है, एक हाथ में क्या है, द्राटी है और एक, चलो तीन हाथ नहीं हो सकते इमेजिन कर लो तीन हाथ है और उसमें डांग भी है। डांग क्या होती है, डंडा। तो डांगी इज ऑल्सो अ डांस ऑफ चंबा। राइट डाउन, नंबर वन डांस दीपक, नंबर वन डांस दीपक, दूसरा डांस द्राटी, तीसरा डांस डांगी यानी डांग, वहां से लिया गया है, पैरों में क्या है, झांझर, झांझर ही है डांस का भी नाम, ठीक है। और एक और डांस है इंपॉर्टेंट, डांडरास, डांडरास। अब ये देख लो वो आगे जाके फिर डांडिया करना स्टार्ट करता है। अब ये तो स्टोरी इमेजिन करनी पड़ेगी, डांडरास, DANDRAS, बस चंबा के ये डांसेस है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीपक, द्राटी, डांग, झांझर, डांडरास, बस। फेस्टिवल लिखो अब, कांगड़ा का कौन सा फेस्टिवल था, दो तीन तो थे सर, एक जयंती माता मंदिर वाला, पंच भीषम और सैर, है ना, ठीक है। फेस्टिवल में पहला लिख लो मिंजर, मिंजर का मेला। मिंजर क्या होते हैं, मेज के फूल होते हैं, उसे मिंजर कहा जाता है। मेज होता है ना, मेज, जो मेज हिंदी में क्या बोलते हैं, मक्की, मक्की के जो फूल होते हैं वो, उसको बोलते हैं मिंजर, ठीक है। इसमें लिखो स्टेट लेवल फेयर है, मिंजर का मेला स्टेट लेवल फेयर है, कॉमा चौगान है वहाँ जगह जहाँ पे ये, हाँ चंबा चौगान है ना। अच्छा मैं कह रही थी चंबियारी चुख को भी मिलनी चाहिए GI टैग, मिंजर मेला नहीं, स्टेट लेवल फेयर है, इंटरनेशनल फेयर है, I'll check it out then. मैं चेक कर लूँगी एक बार, इंटरनेशनल फेयर है, लवी पक्का, राइट डाउन, चौगान में होता है अगस्त के महीने में, डेट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब मंथ भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी लिख लो कि साहिल वर्मन ने स्टार्ट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, साहिल वर्मन ने अगस्त के मंथ में, हाँ ठीक है, इंटरनेशनल फेयर है ये, नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल फेयर है। मैं लिखा देती हूँ अभी वो कौन से सात इंटरनेशनल फेयर है, 7 है। अच्छा सेकंड लिखो अब फेस्टिवल, GI टैग, मैं वही बोल रही थी, चंबियाली चुक, आम होता है ना, आम की चटनी टाइप, स्पाइसी सी, अच्छा सॉरी, चुक इज मिर्ची, मिर्ची का अचार बोल दो या मिर्ची की चटनी बोल दो, दैट शुड बी अवॉइडेड। पर मैं बताऊं चंबियाली चुक में मिर्ची में आम का भी रस वगैरह कुछ पड़ता है, तो चंबियाली चुक, ये तो मेरा ऐसा मानना है, आप अपनी उस जगह में से कुछ भी सोच सकते हो कि GI टैग किसको मिलना चाहिए। आगे लिखो प्लीज, दूसरा फेस्टिवल है जातरा, फूल जातरा, JATRA, जातरा यात्रा कुछ भी कह लो, ये भी अगस्त के मंथ में होती है, हाँ पांगी जात्रा, ठीक है। तीसरा छतराड़ी में भी लगता है एक फेस्टिवल, छतराड़ी जगह है ना, छतराड़ी सितंबर के मंथ में लगता है यहाँ, छतराड़ी जगह का नाम है वैसे, वहाँ जो मेला वगैरह लगता है वो छतराड़ी फेस्टिवल। सुई का मेला जो हमने पढ़ लिया, सुनैना देवी ने जब अपनी आत्मदेह है ना, आत्मदेह तो नहीं, समाधि ली थी, सुई का मेला बता चुकी हूँ, चैत का जो होता है 15 मार्च के बाद अप्रैल।
अच्छा जो फूल यात्रा है ना पांगी की, वो भी सितंबर अक्टूबर के आसपास होती है। वो मैं इसलिए लिखा रही हूँ बिकॉज चंबा के फेस्टिवल का वो मंथ पूछ लेते हैं कभी कभी। फूल यात्रा लिखाई ना पांगी की, सितंबर अक्टूबर के महीने के आसपास। और बस एक और लिख लो, लीशु एंड डोलरू, लीशु फेयर, LISHOO, लीशु फेयर, लीशु फेयर एंड डोलरू, DOLRU। ये आपकी न्यू ईयर की फेस्टिवल है चंबा में। जैसे ऊपर स्पीति वगैरह में हालदा फेस्टिवल, लोसार है ना, तो यहाँ पे कौन सा मनाते हैं, लीशु एंड डोलरू। बस बहुत है ये, सितंबर। अच्छा एक साइड में लिख लो, सात कौन से इंटरनेशनल फेयर हैं। पहला हो गया लवी, लवी एक ट्रेड फेयर है, ये भी पता होना चाहिए, ट्रेड फेयर है, ठीक है लवी। दूसरा मिंजर, मर्जी है याद रखना है, लवी की शुरुआत किसी केसरी सिंह ने की थी, केसरी के खेड़ी सिंह ने, पता नहीं तो केसरी सिंह लिखा हुआ है, चलो खेड़ी सिंह, ठीक है। तीसरा रेणुका है ना, लवी मिंजर रेणुका, तीन हो गए। शिवरात्रि, मंडी की शिवरात्रि पड्डल ग्राउंड में होती है, जैसे मिंजर चौगान में लगता है, पड्डल ग्राउंड रेणुका फेयर। रेणुका फेयर मनाया जाता है जब अपने वो कौन थे, परशुराम अपनी माँ से मिलने आते हैं, तो रेणुका परशुराम की माँ है। परशुराम अपने पिता के इतने ज़्यादा मतलब वो ओबीडियंट चाइल्ड थे कि परशुराम ने शायद अपनी ही माँ को मारा था अपने पिताजी के कहने पे। फिर माना जाता है कि वही है, मतलब माइथोलॉजिकल है कि जब जब दोनों मिलने आते हैं, माँ और बेटा का जो मिलन होता है रेणुका पे होता है, इसीलिए वहाँ पे फेयर लगता है तब के बाद, है ना। शिवरात्रि पड्डल ग्राउंड मंडी, टीरा सुजानपुर की होली, हाँ इंटरनेशनल फेयर है टीरा सुजानपुर की, है ना होली, ये संसार चंद के टाइम पे स्टार्ट हुई है, हाँ सुजानपुर। दशहरा संसार चंद जी कब स्टार्ट हुई होगी, जब संसार चंद कांगड़ा के फोर्ट से मतलब भटक रहे थे इसलिए वहां चले गए थे। तो मैंने कहा ना जब फ्री होते हैं तो मंदिर बनाते हैं या फिर फेस्टिवल स्टार्ट करवाते हैं। दशहरा कुल्लू का कहाँ पे लगता है, ढालपुर ग्राउंड। ये ग्राउंड इसलिए बता रही हूँ बिकॉज सबॉर्डिनेट में आ जाता है यार, ढालपुर ग्राउंड कुल्लू दशहरा। लास्ट है विंटर कार्निवल, ये भी कुल्लू में ही लगता है, है ना मनाली में, है ना मनाली में विंटर कार्निवल। बस हो गए सात फेयर, ये हैं सात इंटरनेशनल फेयर। अब ये देखते रहना कि किसको स्टेट लेवल फेयर का दर्जा दिया हुआ है, वो देख लेना स्टेट लेवल फेयर का किस किस को दर्जा दिया हुआ है। मंदिर, मंदिर वैसे मैंने आपको लिखा दिए, मेरू के टाइम के लिखा दिए थे, साहिल वर्मन के टाइम के लिखा दिए थे, युगांकर वर्मन के टाइम के लिखा दिए थे, उनकी वाइफ के टाइम के लिखा दिए थे, लिखा दिए हुए मंदिर। हाँ हाँ डांसेस तो लिखा दिए मैंने ना, एक नुआड़ा भी ऐड कर सकते हो। पता है नुआड़ा क्या होता है, हाँ चंबा में होता है, मतलब चंबा क्या गद्दी सेलिब्रेट करते हैं, नुआड़ा नुआला नुआला इज बेसिकली, एक तो आदमी करते हैं मतलब बहुत कम होता है बिकॉज सारी रात वो लेडीज नहीं जागती हैं, तो जो घर के बुजुर्ग वगैरह होते हैं वो नहीं होती है पानी की टंकी, टंकी बोल रही हूँ टोकनी,
पुराने जमाने में ऐसे करते थे, जो पानी की टोकनी होती है उसको उल्टा करते हैं, उसको फिर चम्मच से बजाते हैं। पानी की टोकनी, आई विल ड्रॉ इट, टोकनी ऐसे स्टील की होती है, ठीक है, स्टील की या पहले लकड़ी की होती है, क्योंकि गागरी टाइप, उसको उल्टा करते हैं और जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो उसको बजाते हैं सारी रात, धीरे धीरे म्यूजिक चलता रहता है। एक्चुअली शिव की आराधना चलती है ना, शाम को स्टार्ट होता है, बेलपत्र वगैरह चढ़ते हैं, एक डिफरेंट किस्म की माला बनती है शिव के लिए, पूरी रात शिव के ही भजन वगैरह गाए जाते हैं। तो भजन भी नहीं होता, वो अपनी भाषा में गाते रहते हैं, पर वो फिर धीरे धीरे टन टन नाचते रहते हैं। तो दैट इज बेसिकली नवाला, ठीक है। नवाला भी इज बेसिकली एक वो है, क्या बोलोगे इसको, तुम फोक डांस ही बोल सकते हो, ठीक है। बाकी चंबा चंबियाली डांस तो क्या ही है, वही है, कांगड़ा में थोड़ा फास्ट करते हैं, चंबा में अलग ही है। मंदिर हो गए, क्या हो गया, फोक डांस हो गए, फेस्टिवल हो गए, यही तीन चीजें इंपॉर्टेंट। हाँ जी, पेंटिंग की बात आई थी, मैंने राज सिंह के समय आपको पेंटर्स लिखा रखे हुए, कौन कौन, निका, छज्जू, हरकू और रांझा। चलो अभी टाइम है, एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, टॉपिक डालो टेंपल्स। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि कौन से स्टाइल का टेंपल है ना, ना चंबा फिनिश्ड, अभी टाइम है ना, मैंने कहा टॉपिक करा देती हूँ फिर। लिखो, सबसे पहले है शिखर स्टाइल ऑफ टेंपल, आर्किटेक्चर है शिखर स्टाइल ऑफ टेंपल। और इसको कीवर्ड है याद करने का क्या, यस, तुमने भी वहीं से पढ़ा है, ठीक है, पर अच्छा रह जाता है इससे याद ना, सही निमोनिक है ये। फॉर्मूला है लव TBHS या लव TB भी आ सकता है, नोबडी लव्स TB बट स्टिल लव TB। ये है शिखर स्टाइल ऑफ मंदिर को याद करने का तरीका, कैसे दिखते हैं, प्लीज गो एंड हैव अ लुक मंदिर, जो जो बताऊंगी वही देख लोगे तो समझ आ जाएगा शिखर स्टाइल क्या होता है। निमोनिक लिख लो प्लीज पहले, LV लव TB। भलाई टेम्पल कहाँ है, पुराना टेम्पल है, पता नहीं यार कौन सी सेंचुरी में बना हुआ है, चलो एल सी लव TB, LV TBHS। अब लिख लो लाइन मार के, एल से क्या है, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा, वी से वैद्यनाथ, कहाँ पे, ये बैजनाथ में, कांगड़ा में है वैद्यनाथ मंदिर कांगड़ा, वैद्यनाथ लव हो गया बैजनाथ, ठीक है। देन टी से ठाकुर द्वारा मसरूर, ठाकुर द्वारा मसरूर, बी से बजोड़ा जो कुल्लू में है आपका बजोड़ा, चार भी हो गए बहुत है। इसके आगे वैसे देखो TBHS क्या है, हरी राय का मंदिर है, एल से लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा, वी से वैद्यनाथ बैजनाथ, ठाकुर द्वारा मसरूर कांगड़ा में ही है जो मसरूर का मंदिर है, BAJAURA बजोड़ा है ना कुल्लू, हाँ एच से अगर याद रहता तो बहुत अच्छी बात है। हरी राय, ये हरी राय का मंदिर आ गया आपका, सलवाहन वर्मन ने बनाया तो बोले तो चंबा में है, सलवाहन वर्मन ने बनाया है चंबा में हरी राय का मंदिर, सलवाहन वर्मन। इसके बारे में एक फैक्ट शायद मैं बताना भूल गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर एक जम्मू का राजा आया था अनंत देव, ही किल्ड हिम, आके ना मार दिया था ये सलवाहन वर्मन, छोड़ो। एस से वैसे संध्या देवी का मंदिर है कुल्लू में, अब मैं इतना ज्यादा बर्डन अप नहीं करना चाहती, पर लिख लो, लिखने में क्या जाता है,
लव TBHS हो गया ना, तो एस से आ जाता है संध्या देवी का मंदिर कुल्लू, हो गया। ये क्या है, शिखर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल है। आपका होमवर्क ये है कि एक बार देख लेना मंदिर कौन कौन से है, या ये देख लेना शिखर टाइप ऑफ मंदिर दिखता कैसा है। नेक्स्ट, वो जम्मू का एक राजा था अनंत देव। पगोड़ा, पगोड़ा हिडिम्बा, मतलब एक तो याद रहता ही रहता है, देखा है सबने हिडिम्बा मंदिर मनाली है ना। पगोड़ा का लिखो, हाँ पगोड़ा स्टाइल ऑफ टेंपल, हम स्टाइल ऑफ टेंपल्स ही कर रहे हैं। लिखने को आ जाए जय 4 मार्क्स में 8 मार्क्स में तो ये कर लेना, और ड्राइंग कर लेना साथ में छोटी सी, तो तुम्हारे नंबर कहीं नहीं गए। लिस्ट नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ना राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ टेंपल या टेंपल। तो आप अपना आंसर हमेशा अच्छा दिखने के लिए यही बताओगे कि मंदिर बहुत हैं, हिमाचल इज अ लैंड ऑफ, या है ना लैंड ऑफ गॉड्स एवरीथिंग, देवभूमि कहा जाता है ड्यू टू द वैरायटी ऑफ शेप्स एंड टाइप्स ऑफ टेंपल्स। फॉर एग्जाम्पल द शिखरा स्टाइल, समझ आए। पगोड़ा, सेकेंड इज पगोड़ा, हाँ जी इसका क्या था निमोनिक, हाँ मैम पिक शट अप है ना, बच्चे बोलते हैं मैम पिक्चर खींचने दो है ना, सेल्फी खींचने दो, तो मैम पिक, मैम क्या बोलती है शट अप, लिख लो तब ज़्यादा समझ आएगा। मैम पिक शट अप, शट अप, ठीक है। मैम से म से मनु का मंदिर, मनु का टेम्पल है आपका है, हाँ मनाली में है कि कुल्लू में है, मनाली में है ना मनु का मंदिर। ए से आदि ब्रह्मा का टेम्पल, ये मनाली में है आदि ब्रह्मा का टेम्पल, क्योंकि ब्रह्मा के मंदिर वैसे ही पूरे इंडिया में बहुत कम है, एक मेरे ख्याल से राजस्थान में पुष्कर में है, क्योंकि ब्रह्मा को श्राप मिला हुआ है, पर मैं भूल गई क्यों मिला हुआ है, क्यों मिला था, ब्रह्मा की जगह, अच्छा वाइफ की जगह, तो बेसिकली ब्रह्मा को अपनी वाइफ से कर्स मिला हुआ है ना, देख लो ठीक है। मैन से आ गया मनु का मंदिर, ए से आ गया आदि ब्रह्मा टेम्पल मनाली, ठीक है। एम से महेश्वर मंदिर किन्नौर, हाँ जी आदि ब्रह्मा भी मनाली में। एम से महेश्वर टेम्पल किन्नौर, हो गया मैम। पी से पराशर, पराशर कहाँ है, पी से पराशर। सी से आई भूल जाओ चौगान, किन्नौर में है ये भी चौगान मंदिर, क्या है चगाओं, चगाओं, चगाओं किन्नौर, ठीक है चगाओं, सी एच ए जी ए ओ है ना चगाओं किन्नौर, बहुत हो गया बस। एच से याद रख लो एक शट अप में से, एच से हिडिम्बा, एच से हिडिम्बा, हिडिम्बा मनाली, ठीक है। निमोनिक लिखाने का यही मतलब है, मैंने भी ऐसे याद किया है और फनी वे में याद भी हो जाता है। शिखर टाइप हो गया लव TBHS, 4 भी याद रह जाएंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बहुत है, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, शिखर हो गया, पगोड़ा हो गया, डोम, डोम शेप्ड डोम शेप्ड, इसका एब्रीविएशन है
जेसीबी से काटना, ठीक है? डोम शेप्ड, डी ओ एम ई, डोम शेप्ड, जेसीबी से काटना। जेसीबी क्या होती है? जेसीबी वैसे वो मशीन को कुछ और बोलते हैं ना, जेसीबी कंपनी है, है? एक्सकेवेटर। अच्छा एक्सकवेशन होती है जैसे। डोम का लिखो, जेसीबी से काटना से, जे से ज्वालामुखी का मंदिर, जे से ज्वालामुखी टेम्पल, सी से चिंतपूर्णी, सी से चिंतपूर्णी, बी से ब्रजेश्वरी, ब्रजेश्वरी फेमस मंदिर है सारे। काटना का के ए से लिखना, कामेश्वर मंदिर मंडी। काटना का जो के ए दैट इज कामेश्वर मंडी, कामेश्वर। टी से तारना माता, ये भी मंडी में है। कामेश्वर और तारना दोनों मंडी। और न से नैन, नैना देवी। हाँ जी, तो ये तो सिंपल ही है, डोम शेप्ड। जेसीबी से काटना, जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं वो कौन से शेप्ड है? डोम शेप। ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी, काटना से कामेश्वर, तारना माता, नैना देवी, डोम शेप। नेक्स्ट, फ्लैट शेप्ड, फ्लैट, फ्लैट, एफ एल ए टी, फ्लैट। इसका फॉर्मूला है बर्न या बॉर्न, कुछ भी, बी यू आर एन, फ्लैट बर्न, है ना? फ्लैट बर्न, बर्न, फ्लैट बर्न। बी से लिखो, हाँ जी, ब्रजराज मंदिर नूरपुर, ब्रजराज मंदिर नूरपुर। किसने रखा था नूरपुर नाम, और किसके नाम पे? नूरजहां के नाम पे। अच्छा, किसने? जगत सिंह ने, जगजीत सिंह बोल रहे हैं मैं भी। ब्रजराज मंदिर नूरपुर। आर से, आर से राम मंदिर डमटल, कांगड़ा में है राम मंदिर डमटल, कांगड़ा। और न से है, हाँ है, नादेश्वर टेम्पल, है ना? स्पेलिंग ऐसी सी है कुछ, नादेश्वर टेम्पल, पता नहीं, पर ये मैंने कहाँ लिखा, मैंने लिखा नहीं है कहाँ से, कहाँ पे है ये? सुजानपुर टीरा, कांगड़ा, नादेश्वर टेम्पल। नर्वदेश्वर हुआ ये ना, नर्वदेश्वर मंदिर टीरा। अच्छा, दिस मंदिर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय संसारचंद, नर्वदेश्वर मंदिर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय संसारचंद, अब याद आया मुझे, संसारचंद। बस ये फ्लैट शेप्ड आ गया, तीन मंदिर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पेंट रूफ, पेंट रूफ स्टाइल, पेंट रूफ, पी एन टी, पेंट रूफ। पेंट रूफ का मतलब है जेब की पेंट, और जेब की पेंट में लेस एमबी, मींस जेब की पेंट में फोन है, फोन में जो डेटा है बहुत कम है, तो लेस एमबी लिखो, लेस एमबी, पेंट रूफ। याद रह जाएगा कि पेंट की जेब में फोन है और एमबी है कम, पेंट रूफ, लेस एमबी। ल से लक्षणा देवी का मंदिर, लक्षणा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा आज, मेरू ने बनवाया था, जो चंबा। दूसरे स से शक्ति देवी, ये भी उन्हीं के टाइम पे बना है, शक्ति देवी।
एम से मृकुला देवी का मंदिर, लाहौल स्पीति में है ये, मृकुला देवी, मृकुला देवी ये लाहौल स्पीति में जगह है, उदयपुर ना, वहां पे है मृकुला देवी का मंदिर उदयपुर, कहाँ? लाहौल स्पीति। और बी से है बिजली महादेव कुल्लू, मैं माना जाता है वहां जितनी बार ऊपर से बिजली गिरती है वो शिवलिंग टूट जाती है, घी और मक्खन, मक्खन है ना, मक्खन से उसको दोबारा ऐसे किया जाता है, पेंट्रूफ। सेम स्टोरी गोज टू जो आपके कांगड़ा में मंदिर है बजेश्वरी मंदिर, वहां पे भी मक्खन लगाया जाता है, रीजन बीइंग कि माना जाता है देवी का जब वो हुआ था झगड़ा हुआ, झगड़ा बोल रहे हो, जब उन्होंने किसी डीमन को मारा था तब माता को भी शायद कुछ चोटें आई थी, तो वो चोट को भरने के लिए उन्हें मक्खन का लेप लगाया जाता है। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे जगराते में, तो वहाँ पंडित ने एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था जिसको आंसर आएगा उसको कुछ दिया जाएगा, तो नहीं आता था, तो फिर वहाँ पे फिर उन्होंने बताया हमको कि मक्खन का लेप क्यों लगाया जाता है। तो ये अलग अलग है, कुल्लू में अलग स्टोरी है बिजली महादेव की, कांगड़ा में अलग स्टोरी है। डन। पेंट में लेस एम बी, लक्षणा शक्ति मृकुला एंड बिजली, लास्ट मंदिर है पिरामिडल, पिरामिडल टाइप, पिरामिडल। इसके लिए निमोनिक रहने दो, लिख लो बस, हाटेश्वरी, हाटेश्वरी, हाटेश्वरी का मंदिर कहाँ है? है हाटकोटी, हाटकोटी कहाँ है? रोडू कहाँ है? शिमला। तो हाटेश्वरी मंदिर शिमला। एक है महासू, महासू का मंदिर है जुब्बल में, शिमला में ही है कहीं महासू का मंदिर ना, महासू, महासू इनफैक्ट हाँ वहाँ के लोगों के देवता हैं महासू, कहाँ के लोगों के, जमलू देवता, तो फिर महासू का मंदिर शिमला में भी है ना, महासू का मंदिर, जमलू देवता का मंदिर कुल्लू में है, मलाना, हाँ हाँ जमलू देवता है ना, हाटेश्वरी महासू और एक शिवा का मंदिर है जुब्बल में, शिवा टेंपल जुब्बल, बस ये तीन ही मंदिर है जो आपके पिरामिड इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक टॉपिक है, अब ये वाला टॉपिक आपको प्रिलिम्स में भी काम आएगा, उसमें लिखा होगा कि इसमें से कौन सा मंदिर ये है ना, और मेंस में भी आ जाएगा काम। शिव टेंपल है जुब्बल, द्योरा जुब्बल कहते हैं, द्योरा जुब्बल। डन।